गुड आज हम लोग पहले तो रिवीजन करते हैं फिर काफी कुछ नया सीखेंगे सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है लाओ यार रिवाइज करा दो तो जल्दी से व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग बताओ भाई इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट अच्छा इसका मेन पर्पस क्या है मैनेजमेंट कंट्रोल करने का तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज से कंसर्ड है कहां से कमा रहे हैं और कहा गए मनी ताकि वो इनपुट्स प्रोवाइड कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए राइट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जल्दी से आप बताओगे कॉस्ट

अपना ही कंपैरिजन पिछले कुछ साल के साथ फिर और बताओ डिटरमिनेशन किस चीज का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने का और ब्रेक अच्छा शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने का और ब्रेक निकालने का बजट बनाने का और वेरिएंसेस स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करके उनको एक्चुअल से कंपेयर करने का वेरियां निकालने का बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफरेंसेस एक बार क्विकली इनको रिवाइज कर लेते हैं वी गो भाई फुल स्क्रीन लगा देना फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट आर्ट का मतलब सब लोग अपने हिसाब से करते हैं माय आर्ट योर आर्ट योर बी ऑफ राइटिंग माय बी ऑफ राइटिंग योर बी ऑफ कुकिंग माय बी ऑफ कुकिंग

उसको रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाउ यू नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दो शब्द हैं कॉस्ट और अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं किस चीज के कॉस्ट के किस तरह की कॉस्ट के

Here, semi-variable cost, step cost, material cost, labor cost, office administration cost, selling and distribution cost, manufacturing cost, cost so, classification of the cost ko record karna, and the basis on which they are calculated, and it ends with the preparation of periodical statements.

फंक्शनल तो क्लासिफिकेशन के बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका एक चैप्टर है दस मार्क का कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा टेन टेन मार्क्स का प्रैक्टिकल आया

मैक्सिमम हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में मैक्सिमम हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं यह नहीं है कि हम लोग अकाउंट्स नहीं बनाते डेबिट क्रेडिट नहीं करते करते हैं बट हां ज्यादातर काफी हद तक जो है स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो डेबिट क्रेडिट भी करेंगे अकाउंटिंग वो भी देखेंगे एज वेल एज स्टेटमेंट्स देखेंगे भाई फुल स्क्रीन लगाते बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लीज़ से सुनना आपसे सारे सारे दे दे। बोले बोल भाई बेसिक क्या है सबसे बड़ा तो control, ये दोनों हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव इनके बाद है पहले ही बता दू आपको अगर बोले हाँ भाई हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है तो भाई ये दो है ये ध्यान रखना कॉस्ट कंट्रोल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मेनली आया इसीलिए था कि भाई हम जो है कॉस्ट को कंट्रोल में रखें और दूसरा ऑब्वियसली कॉस्ट को कॉस्ट कॉस्ट भाई वापस से फुल करना चाहते हैं कंट्रोल हम, है? हम अपनी को कंट्रोल में रख सकेंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है किस चीज के लिए एक साल एक फाइनेंशियल ईयर में

एक्सटर्नल पार्टीज के लिए बनाई जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है आउटसाइडर्स के लिए डिवेंशियर होल्डर्स क्रेडिटर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स बाहर के लोग नॉट द इंटरनल मैनेजमेंट नो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वंस अगेन हम लोग कॉस्ट को असरटेन क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके एंड साथ में डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स दैट इज यूजेस मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है एक्सटर्नल पार्टीज के लिए नहीं ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे अपने लिए हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उनका प्रॉफिट देखेंगे देखेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या हमें खरीदना चाहिए किसी फैक्ट्री को कंटिन्यू करना चाहिए किसी प्रोडक्ट लाइन को कंटिन्यू करना, करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए कोई हमें फॉरन कस्टमर कह रहा है कि में एक से सामान खरीदेगा हम जितने का सामान यहां पे बेच रहे हैं वो बहुत चीप में मांग रहा है क्या हम उन्हें सामान बेचे या ना बेचे कई सने के हम लोग डिसीजन लेंगे विद्पऑफ और बेसिकोलियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल नेचर अकाउंटिंग क्या करती है इट रिकॉर्ड्स प्रेजेंस एंड इंटरप्रेट द ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स मनी टर्म्स के ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेवेन्यूज लाइबीज एनी एनीथिंग इन मनी टर्म्स रिकॉर्ड तो करती है लेकिन सिर्फ एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नोशनल से नहीं नकली नहीं सिर्फ असली और जो तो पास में हुआ है, सिर्फ वही। कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग भी मॉनेटरी आइटम रिकॉर्ड करती है लेकिन लेकिन वो रिकॉर्ड करती है उसकी नेचर क्या है इट रिकॉर्ड्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट

Past data, past to analyze. Ka. Present data to analyze. Ka. He acts as the news agent. Today, what is happening? What is And as well as a profit, that is to say, He estimates the future Now, let's talk about statutory requirements. Income Tax Act 1961, as well as Companies Act 2013, requires mandatory preparation of financial accounts.

statutory requirement like companies are take contracts act no, banking regulation, insurance companies no, nothing, electricity supply no, this voluntary internal management purposes decision making, cost control but for specified industries is statutory है. it is mandatory only for some specified industries now financial accounting it reveals the overall profits or loss of the organization

और कोशिश करेंगे कि हम उन सब चीजों को कंट्रोल में रख सकें राइट नाउ व्हाट इज दीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है यूजुअली दे आर यूजेयर एनुअली हाउवर अगर कोई लिस्टेड कंपनीज हैं तो उनको अपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी लिस्टेड कंपनीज को देने पड़ते हैं

बट हाँ अदरवाइज अगर बोले तो एनुअली मेनली प्रिपेयर करते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या अदरवाइज कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो एनुअली बनाते हैं बट हाँ पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज दे हैव टू प्रिपेयर क्वार्टरली ये आपको शायद आइडिया होगा बट कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डन पीरियडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग बताओ भाई कैसे मर्जी कर लो एनुअल करो सेमी एनुअल करो क्वार्टरली करो मंथली कर लो पंद्रह दिन में करो हफ्ते का करो एक दिन का करो एक दिन से कम कोई नहीं करता

का बनाया जा सकता है चाहो तो डे का निकाल सकते हो और चाहो तो क्वार्टर का चाहो तो छह महीने का एनुअल जिस तरीके से शॉर्ट पीरियड्स के ज़्यादातर किए जाते हैं, ताकि कॉस्ट मैनेजमेंट अलग-अलग छोटे-छोटे पीरियड्स में में कंट्रोल रख प्रोसीजर फॉर्मैट प्रिस्क्राइब बाई वेरियस लॉज जैसे कंपनी 13 का स्केड्यूल थ्री प्रिस्क्राइब करता है कि ट्रेडिंग प्रॉब्लम लॉस अकाउंट बैलेंस शीट किस हिसाब से बनना चाहिए फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट और इसी तरीके से बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं वेरियस फॉर्मेट्स के किस हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहिए दैट इज ट्रेडिंग फ्रॉम लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को किस हिसाब से दिखाना चाहिए बनाना चाहिए इट इज एज पर पेपर इंडस्ट्रीज डिफरेंट

तो स्टिल कॉस्ट अकाउंटिंग भी जो है जैसे हमारे देश में भी वो कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज की डेट में हमारी इंडिया में अगर करनी है तो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं तो इंड ए एस ठीक है जी या फिर अगर बाहर यूएस में करनी होती है तो यूएस गैप्स हैं अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि आई एफ आर एस से गवर्न होती है कि अकाउंटिंग हम लोग करेंगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पैरिटी में रखेंगे एंड एंड सो सो ऑन हमारी बहुत सारी कंपनीज जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफोसिस ये इनके जो है इन्होंने सिक्योरिटीज शेयर्स के लिए में बाहर से भी फंड्स रेस कर रखे हैं कुछ आप लोग पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे साथ समथिंग कॉल्ड ग्लोबल जीडीआर एग्जाम्पल दी हैं और भी बहुत सारी कंपनीज है इवन सत्यम के साथ भी जो है एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ आपको पता ही है कि क्या हुआ बट मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा बट मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने भी एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट इशू किए हुए थे सत्यम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने और एज सच हमारे यहाँ तो रामलिंग राजू बाहर निकल आए आपको पता होगा शायद सत्यम का केस किसी को ऐसे हैं जिनको कि पता है सत्यम का केस सत्यम इंडस्ट्रीज ऑफ अकाउंट वगैरह कुछ नहीं आईडिया क्योंकि उसमें सी एज का भी नाम आया था चार्टेड अकाउंटेंट्स और धब्बा है वो चार्टेड अकाउंटेंट्स के प्रोफेशन पे प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स के नाम पर वो एक बहुत बड़ा धब्बा है वो बहुत बड़ा केस है दैट्स बिग बिग ब्लैक स्पॉट ऑन प्रोफेशन कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होके जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको चेक करो वेरीफाई करो और एज सच भाई चार्टेड अकाउंटेंट सारी गारंटी तो कोई नहीं कर सकता वो कहता है एज पर दी इंफॉर्मेशन गिवेन टू मी ऑडिटिंग इस तरीके से होती है बट उन्होंने गलती क्या की थी उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की की, इन्होंने कुछ एफडीज़ दिखा रखी थी थाउजेंड ऑफ करोर्स की उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया कराना चाहिए था यह बहुत बड़ी गलती थी तो ये दिस देर आर अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता कि हाँ जी आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी और रामलिंग राजू की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में उनको सजा हुई सात साल की सात और यूएस में अगर वो कभी स्टेप डाउन करते हैं तो वहां के जैसे हमारे यहां एक वॉच डॉग है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वहां एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए तो वो एसई सी इज रेडी कि रामलिंग राजू एक बार यूएस आ जाए साल इयर्स की सजा होगी उनको वहां पे अगर वो वहां गए तो जाएंगे नहीं ना यहां तो छूट चुके हैं लेट्स नॉट गोइंग टू दैट वापस आते हैं बाय फुल बाई फुलर दैट सिंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर आउटसाइडर्स थर्ड पार्टीज बाहर वाले लोगों के लिए बनाया जाता है इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज मोर यूजफुलशियल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वाले जो भी है वो लोग इसी पे रिलाई कर रहे हैं कि ये फिगर्स क्या है ये ट्रू एंड फेयर व्यूज बता रहे हैं हमारे कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो इट शुड बी मोर एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली

So guys, was, uh, तो दिस कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल की क्विक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी कर ली जाए सिर्फ रिविजन ना करें तो गाइज एक आपको थेटिकल क्वेश्चन जैसे होता है और इवन इसमें जो है एमसी क्यूज भी बनते ही हैं मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो मैं लिखवा के चल रहा हूँ आपको लिखवा के चल रहा हूँ मैं मैं आप लोगों को जो है वो दे देता हूँ नोटिंग के लिए यू शुड राइट इट डाउन इट्स गुड फॉर यू अब एक डिफरेंस डिस्टिंक्शन तो पास्ट में कभी कभी रुक के थियरटिकली आया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके से एक थियरिटिकल डिफरेंस और बनता है पूछा जा सकता है थियरी क्वेश्चन दो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ पहला चैप्टर में थ्योरी काफ़ी है तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैंने कोई भी चीज ना कराई हो मैं सब कुछ इसीलिए करा के चलना चाहूंगा यस yes, इसके साथ में प्रैक्टिकल ब्लेंड करके चल रहा हूं क्योंकि इसमें हल्का हल्का प्रैक्टिकल का टच है ठीक है जी नाउ कमिंग बैक टू दिस डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपसे पूछा जा सकता है तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ऑब्जेक्टिव तो पहली चीज तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी दो चीजें बनाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और

लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने का फाइनेंशियल पोजीशन देखने का वहां डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करने का नेक्स्ट अब इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है आप ये जानते हो ओ ये? हाँ, बताओ कौन है शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स स्टेक होल्डर्स हम लोग कहते हैं उन्हें कि भैया शेयर होल्डर्स हैं डिवेंचर होल्डर्स हैं क्रेडिटर्स हैं अदर एक्सटर्नल यूजर्स हैं, मेनली एक्सटर्नल पार्टी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इंटरनल यूजर्स का एक शब्द बोल दो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोल दो या इंटरनल यूजर्स बोल दो एक ही बात है राइट अच्छा अब एक बात बताओ ये रिकॉर्ड क्या करता है ये पास डेटा करता है वो सोच के बताना मैनेजमेंट अकाउंटिंग सोच के मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं यही एमसीक्यू हो जाएगा पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ पास करता है सिर्फ प्रेजेंट करता है या सिर्फ फ्यूचर करता है लेट अस सी रेज एंड करेंगे एमसीक्यू का हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो देखो पास हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करता है उसका तो मुद्दा ही नहीं है ऑप्शन नंबर वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिकॉर्ड करता है गुड ये मेजोरिटी है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का था सिर्फ प्रेजेंट का करता है सिर्फ फ्यूचर का करता है एब्सोल्युटली सिर्फ फ्यूचर का करता है हेलो डिसीजन मेकिंग तुम पास के लिए कर रहे हो क्या मैंने आपको क्या बोला ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करने का मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है ताकि डिसीजंस लिए जा सके माइक दो यार पास को दो, दो 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 अभी पहले एक बार एक बात बता दो एक्यूरेसी बताओ एक्यूरेसी किस में ज्यादा चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यस yes, इसमें चाहिए ग्रेटर एक्यूरेसी और उसमें लेसर एक्यूरेसी चलेगी भाई है जी बाहर वालों के लिए नहीं किया जा रहा अच्छा इसका पीरियडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग बताओ इसका एनुअल है और उसका एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड भाई महीने का भी हो सकता है वीक का भी हो सकता है डेली का भी हो सकता है मंथ जैसा भी एनुअल भी हो सकता है साल से ज्यादा का भी हो सकता है एज द केस में भी देन एडरेंस ऑफ गैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, को कोई अकाउंटिंग प्रिंसि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग आपको बताया ना यूएस गैप्स यूएस में बना रहे हो तो आईएफआरएस इंडिया में इंड एस एक्सेट्रा तो भैया इनको गैप्स के हिसाब से बनाना है ठीक है जी इसीलिए चार्टेड अकाउंटेंट्स के तो मेन कोर्स में है भैया एस 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 और वहां उधर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई गैप्स गैप्स कुछ है ही नहीं मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई गैप्स नहीं है इसके बाद इसका, इसका कोई सेट फॉर्मेट है, क्या है? Yes, इसका है बिल्कुल. जैसे आपका इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन एक्ट एट है इनके सबके अपने अपने uh, और ये क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड सो ऑन कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनी छोड़ के बाकी सब कंपनीज के लिए जो है वो का है वो कंपनीज़ फॉर्मेट लगता एंड एंड सो सो ऑन तो इनके रिकॉर्ड है। है, है करते हैं और मैंने आपको एक चीज बोली थी जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बता रहा था वहीं पे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट क्लास में हिंट मारा था मैंने बोला था कि ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों चीजें देखते हैं ये मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं और फिर अगर मैं बोलूं क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट की जरूरत पड़ती है कंपनीज के लिए बिल्कुल जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है इनको पब्लिश करते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट जो इनको ऑडिट करते हैं स्टेचुरी ऑडिटर्स इसको ऑडिट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसको कोई ऑडिट करने की जरूरत है मतलब नहीं बनता ये तो अपने इंटरनल पर्पेज के लिए है, इसका कुछ नहीं है सीन हाँ जी आपका डाउट मैं कह रहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे तो हम डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए करने के लिए पास्ट को भी तो करेंगे कि हमने पहले क्या गलतियां करी और अब क्या बहुत बढ़िया वेरी नाइस और यही चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बोली हुई थी प्लीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछता हूं विथ स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग cost accounting cannot be done without management accounting. number one. financial accounting cannot be done without management accounting. management accounting cannot be done without cost accounting. c. Si. please raise your question if you have any question. कॉस्ट अकाउंटिंग अभी डिफरेंस नेक्स्ट डिस्टिंग्विश यही करना है इसमें पीरियड ऑफ फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग का जवाब आएगा पीरियड ऑफ फोकस पीरियड फोकस क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा पीरियड फोकस है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ओनली फ्यूचर राइट यस सर अच्छा मैं ना एक थोड़ा सा ना कुछ जिसे कहते हैं गुड थिंग्स थोड़ा सा सिखाना पसंद करता हूं मिनट भाई माइक वापस दे दे। वर्चुअल स्टूडेंट्स भी हैं पे फेस तो फेस में आप सब लोग यहां पे। दे दे एक एक थोड़ी देर को नहीं मेरी क्लास का एक रूल है और वो रूल ये है आप क्वेश्चन पूछोगे मैं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा क्लास में आप फेस टू तो फेस में रेज हैंड करोगे वर्चुअल स्टूडेंट्स यहां पर मेरे को जो है टाइप uh, करके भेजेंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा एंड वंस योर सेटिस्फैक्शन इज देयर कि हाँ जी मेरा माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड देयर कैन बी आंसर के बाद देयर कैन बी टू रिएक्शंस नंबर वन थैंक यू सर माय क्वेरी हैज बीन रिजोल्व थैंक यू सर मेरा ये रिएक्शन मैं वैसे ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफर नहीं करता अभी आप बिल्कुल नए नए हो अभी आपने मुझसे पढ़ना शुरू किया है देखो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ऑब्जेक्टिव है आपको यू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इनसे प्यार करवाना और मैं उसका मीडियम हूं तो कहते हैं जिससे प्यार करना हो उस तक पहुंचने के लिए जो प्यार करना सिखाए उससे भी प्यार हो जाता है तो इसीलिए जब आपका क्वेरी रिजोल्व हो जाए तो यू कैन ऑल्सो से लव यू सर आप लोग कई पुराने स्टूडेंट्स देखेंगे आएंगे तो बोलेंगे अदरवाइज मेरे पास मैसेजेस भी टच हुआ गॉड थैंक यू सर कंपेरेटिवली कम आता है मेरे पास लव यू सर ज्यादा आता है ठीक है मैं आपको अपनी पोजीशन साफ बता रहा हूं आई एम योर मेंटोर आई एम योर गाइड आई विल हेल्प यू सक्सीड आई विल नॉट ओनली टीच यू माई सब्जेक्ट आई विल टेक यू आई विल होल्ड योर हैंड दैट इज माई ऑब्जेक्टिव बट ऑब्वियसली माई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए तो मैं चाहूंगा कि मेरे सब्जेक्ट से प्यार हो जाए मैं इसीलिए आपको एक बार क्लास में कराता हूं फिर कहता हूं घर पे करो लिखो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कराता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं एक साइंस से चल रहा हूं मुझे पता है इस तरीके से चीजें दिमाग में बैठती हैं कॉन्फिडेंस और आता है और कई बार आपको कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज आपने रिवीजन नहीं की होती या ढंग से कभी कोई चीज़ नहीं सुनी होती मैंने लास्ट क्लास में ही ये बोली थी बात कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता इट कैन नॉट बी डन तो जब भी आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाए ना द रूल ऑफ माई क्लास सर आई दैंक यू सर लव यू सर लव यू टू ब्रो, यो ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं नाउ हिमांशु मुझसे अलग से बात करना ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस नॉट रिलेटेड टू द क्लास आई वुड प्रेफर टू यू नो टेक क्वेरीज रिलेटेड विद वट एवर इज गोइंग ऑन ओवर ओके कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहली चीज आप लोग मुझे बताओगे इनके ऑब्जेक्टिव प्लीज आंसर माय क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव आपको पता है कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल भयानक तरीके से आपको यह ध्यान रखना है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑब्वियसली बात है आप किसी प्रोडक्ट की आप लोग मेरे साथ जैसे आज मैं आपको कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट दिखाऊंगा मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग करते हैं उसका क्या ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट है cost को कैसे करके, कैसे क्लासिफाई करके उसको करते हैं अलग अलग लेवल्स पे वील सी होपफुली टुडे तो एक बेसिक फॉर्मेट कॉशिप का चैप्टर तो हमने बाद में पढ़ना है बट पहले चैप्टर में मैं पहले ही बोल रहा हूं पहले चैप्टर में सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे पहले चैप्टर में सारे चैप्टर्स को हल्का, हल्का 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 टच किया हुआ है

वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं तो बिजनेस में शब्द यूज ना करके मैं डिसीजन मेकिंग शब्द ज्यादा यूज करना पसंद करूंगा तो इट प्रोवाइड द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड एनेबल्स डिसीजन मेकिंग अच्छा नाउ प्लीज आंसर माई क्वेश्चन वैसे मैंने आपको ऑब्वियसली हल्का सा ईयर वीयर्स तो बताए थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ इस साल में हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ मैं बताऊं थोड़ा सा और मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी लेट मी टेल यू देखो ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग जो डेवलप हुआ था ना गाइस ये पता है कहां से डेवलप हुआ था पहले सिर्फ financial accounting चलता था, फिर हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चीजें बदली जैसे आज की डेट में भी मैं एक बात बता दू नेक्स्ट फाइव इन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं वन टू टू इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू

किसने कितनी कॉफी बनाई उसको नोट कर रही है कौन सा कस्टमर कितनी देर बैठा उसको नोट कर रही है आपको सोचो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कितनी आसान हो जाएगी अब पुराने जमाने में लोग जो है प्योरली डिपेंडेंट होते थे बंदा देखेगा पहले सिक्योरिटी गार्ड होते थे फिर डिजिटल कैमरास लगा के तब भी बंदा ही देख रहा होता था आपने बहुत सारी अंग्रेजी हिंदी फिल्में देखी हैं सीसीटीवी कैमरास लगा के इवन म्यूजियम ये वो जहां से पिक्चरों में चोरिया वोरिया दिखाते हैं वहां पर भी क्या होता है बंदे ही होते हैं बट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर लॉट मेनी जॉब्स लॉट मेनी एरियाज आइड यूल है जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी अडेप कर लोगों द बेटर इट विल बी फॉर यू

कि देर वॉज अ टाइम पहले मैनुअल काम होते थे फिर उसके बाद मशीन्स काम करने लग गई मशीन्स की हेल्प से ह्यूमंस काम करने लग गए एज द द केस में में भी आज के में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है थिंग इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था जब मैनुअल से मैकेनिकल पे आए थे तो ये सब्जेक्ट पैदा हुआ था और वो सब्जेक्ट किस लियू में पैदा हुआ आज जब मैकेनिकल हो गया तो कॉम्पिटिशन बढ़ता गया और आज के एनवायरमेंट को हम लोग कहते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट क्या कहते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट देर आर पीपल हु आर क्वालिटी कॉन्शियस देर आर पीपल हु आर प्राइस कॉन्शियस वी हैव टू आपको एक बात बोलूं हेलो एप्पल जैसी कंपनी भी प्राइस कॉन्शियस लोगों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है कि नहीं बना रही है आप खुद देखो मैकडोनल्ड भी मैं आपको एक बात बताऊंगा लोग मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूं आज की बात नहीं कर रहा होता क्या था मैकडोनल्ड के बहुत सारे आउटलेट्स मैकडोनल्ड वांटेड पीपल टू कम इनसाइड टू कम इनसाइड देयर शॉप वॉट यू मे देयर रेस्टोरेंट देर फास्ट फूड कॉर्नर तो हुआ क्या हमारे देश में गर्मी बहुत है गर्मियों में खास करके मतलब मैं, तो मैं अगर यहां की बात करूं और अदरवाइज साउथ बहुत सारे एरियाज हैं गर्मी बहुत है एंड हमारे देश के बहुत सारे लोग आइसक्रीम्स के फॉन्ड ऑफ है तो इयर्स बैक की बात कर रहा हूं मार्केट में सॉफ्टी सॉफ्टी मिलती थी मार्केट में दस बारह पंद्रह बीस रुपए की इन्होंने ये भर के सॉफ्ट सर्व नाम की चीज चालू करी करी थी जब चालू करी थी मैंने देखा उसको चालू होते हो उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं बता रहा हूं आपको

मैं फैक्चुअली बता रहा हूँ माई ओन एक्सपीरियंस क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई मैं गया था मैकडोनल्ड में फॉर सॉफ्टी सॉफ्ट सर्व एंड बर्गर आई सॉ अ रिक्शा वाला मैकडोनल्ड के जैसे सीपी में मैकडोनल्ड था ठीक है मैं जो है फ्रंट से एंटर कर रहा था तो रिक्शा वाला दूसरे रिक्शे वाले के उस जमाने में रिक्शा वहां चलते थे आज की डेट में मुझे पता नहीं सीप, सीपी सी में रिक्शा चलते हैं कि नहीं मेरे को लगता मुश्किल है वहां तो उस जमाने में वो रिक्शा वाला वहां गया सॉफ्टी देना एंड देन आई सॉ दिस गाय वाला भी सबसे सस्ता वाला दे दो बर्गर आई सॉ दैट गाय बाय अ बर्गर एंड दैट टाइम बर्गर चीपेस्ट बर्गर वॉज समथिंग लाइक ट्वेंटी रुपीज आपको कुछ चेंज लाना होता है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन जैसे आया तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग पैदा हुई और जैसे आज के जमाने में मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट है पीपल आर क्वालिटी कॉन्शियस अब आज की डेट में आप मैकडोनल्ड जाते हो आप क्या उसके प्रोडक्ट पे भरोसा रखते हो कि नहीं यहाँ भी चलो चीज तो ठीक ही होगी वो बात अलग है कि वो बहुत हद तक जो है जो उनका वो होती है क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राइज इट इज एक्सट्रीमली सुपर लेवल की अनहेल्दी सुपर लेवल की अनहेल्दी यू गो थ्रू इट इट्स सुपर उसका आलू अनहेल्दी है उसके अंदर जो ऑयल यूज हो रहा है वो अनहेल्दी है जितना ज्यादा नमक वो डाल रहे हैं वो आपके लिए अनहेल्दी है लेट्स नॉट गो इन टू दैट बट स्टिल मॉडर्न बिजनेस एनवाइमेंट के लिए में ये वाली चीज है नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट के लिए में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले पहल इंडस्ट्रियल के लिए में कॉस्ट अकाउंटिंग आया मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आया वो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से आया अच्छा इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ सिस्टम कोई प्रोसीजर्स कुछ है मैंने अभी अभी तो बताया था इवन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे क्या कहते हो भाई ऊपर से क्या है सुनो मेरी बात आप लोग ना मेरे साथ अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ोगे मैं आज उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था तो मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं मैं इंट्रोड्यूस डीपली नहीं कर रहा हूं मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको किसी मैन्युफैक्चरर जो कि इनपुट डालता है और आउटपुट निकालता है इसकी कॉस्टिंग करनी है तो इसके लिए एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग जो शीट आप बनाते हो ना जो मैं आज आपको फॉर्मेट बताऊंगा वो इसी का बताऊंगा एक ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स अंडरटेक करती है यार एक बात सुनो ये कोट स्टैंडर्डाइज्ड है मेरे साइज का बनवाया मैंने क्योंकि मेरे साइज के कोट्स थोड़ा मैं वैसे लाया हूं एक कोट मंगवाऊ तुम्हें दिखाऊं भाई हेलो कोई है ये रोज ही गायब हो जाते हैं यार फोन करो यार इनको बुलाओ जरा जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग फिर गायब है लड़का सर्विस कॉस्टिंग ये सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है और ये रादर आपके चैप्टर्स हैं ये कॉस्ट शीट इज वन ऑफ द गुड चैप्टर्स मतलब बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है मीडियम चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर भाई मेरा एक कोट पड़ा है गाड़ी में जल्दी से मंगा लो और कोई बंदा यहां पे रहो दूसरा इस तरीके से बैच कॉस्टिंग आप लोगों ने कभी ना कभी मेडिसिन खरीदी होंगी

प्रोसेस कॉस्टिंग जहां फिनिश्ड आउटपुट जो है सीरीज ऑफ प्रोसेस से ओके गुजरता है टेक एन एग्जाम्पल हमने क्या किया भाई हमने लिया कॉटन उसका एक प्रोसेस किया स्पिनिंग कॉटन को स्पिन करते हैं स्पिनिंग प्रोसेस ये इनपुट कॉटन डाला उससे आउटपुट उसका निकाला थ्रेड धागा तो स्पिनिंग प्रोसेस से हमने थ्रेड निकाला फिर उस थ्रेड को हम लोगों ने क्या किया वीव किया तो वीविंग प्रोसेस उससे हमने क्या किया दोस्तों उससे हमने क्लॉथ बनाया उस क्लॉथ को फिर हमने क्या किया उसको हम लोगों ने लिया प्रिंटिंग प्रोसेस में उसमें आप रंग डाल दिया एज अ केस में भी डिजाइन डाल दिए एंड सो ऑन एंड सो फॉर तो ये जो है ये आपका आ गया प्रिंटेड क्लॉथ जो कि आप मार्केट में बेच रहे हो तो आप मेरे साथ आगे अभी पहले चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा और ये अगेन आगे चल के आपका एक चैप्टर है अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका कि ऑलमोस्ट टेन टेन मार्क्स का कंसिस्टेंसी से एग्जाम में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉस्टिंग व्हाट इज अ प्रोसेस अ प्रोसेस Is a process is a distinctive unit जो कि आपकी manufacture करने में of the product help करती है। A distinctive state जैसे ये this is separate this is separate this is separate, this is separate तो हम हर process का separate distinctive separate accounting करते हैं। हर एक का अलग अलग account बनाते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपने कैसे करनी है? We'll study that. प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग ये वाली चीज पढ़ेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग टू प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट दूसरे आउटपुट तीसरे का इनपुट ऐसे करके आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता है फिर इसी तरीके से सर्विस कॉस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे ये पहला प्रैक्टिकल चैप्टर

पर किलोमीटर आपके लिए किलोमीटर ट्रेवल्ड है आप कस्टमर हो हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदे सर्विस दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग करेंगे तो ये कैसे कॉस्टिंग करते हैं पर इफेक्टिव किलोमीटर क्या नहीं का मतलब अगर इनकी टैक्सी 100 किलोमीटर चल रही है ना तो 100 किलोमीटर चलाने के खर्चे सारे खर्चे फिक्स वेरिएबल सारे खर्चे और लेट्स एक्न एग्जांपल इसमें इफेक्टिवली 80 किलोमीटर में इनके पास पैसेंजर होता है 20 में नहीं होता तो इनके सोचो इमेजिन करो इमेजिन करो लेट्स चलाने, का, इनका खर्चा जो आया, 100 चलाने का, जो का खर्चा आया वो आया सिक्स हंड्रेड रुपीज हंड्रेड किलोमीटर चलाने का खर्चा बढ़िया वाली टैक्सी है मस्त वाली टैक्सी है ठीक है बढ़िया वाली कार है BMW ले लो टेक्सर टैक्सी में चल रही है क्या दिल पे मत लो यार। मर्सिडीज चलती चलती है बिल्कुल चलती है, but comparatively still, क्योंकि मैं कॉस्टिंग की मतलब सोलह सौ रुपए का खर्चा हुआ टोटल फिक्स वेरिएबल सब वो कैसे करते कॉस्टिंग वो मैं बाद में सिखाऊंगा आज नहीं अब सोलह सौ रुपए किलोमीटर कितने चली हंड्रेड किलोमीटर लेकिन मैंने आपको बोला इसमें एट्टी परसेंट इट वॉज इट इज नॉर्मली ऑक्युपाइड इतनी ऑक्युपेंसी होती है तो आप मुझे एक बात बताओ अगर आपकी टैक्सी और आपको पता है कि सौ किलोमीटर में एट्टी किलोमीटर ही पैसेंजर होगा तो आपको खर्चे सौ किलोमीटर से रिकवर करने होंगे या किलोमीटर 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 से 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 तो हम लोग क्या करते हैं इस हिसाब की कॉस्ट इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर 1600 सो डिवाइड बाय 80 किलोमीटर दैट इज रुपीज ट्वेंटी बीस रुपए आ गया ना बीस रुपए सोलह सौ सो रुपए डिवाइड बाय 80 किलोमीटर ये क्या कर रहा हूं मैं ये मैं कॉस्टिंग कर रहा हूं कौन सी कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग क्या ये मैन्युफैक्चरर को लग सकती है नहीं लग सकती तो अलग अलग इस प्रोसेस कॉस्टिंग इसकी सेपरेट अकाउंटिंग है इसी तरीके से अब मैं अगर बोलूं एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेकेदारों के लिए ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्रूड ऑयल लिया प्रोसेस किया पेट्रोल भी निकल रहा है डीजल भी निकल इकट्ठे एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेम रॉ मटेरियल से निकल रहे हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग ये भी आपके चैप्टर हैं सीए कोर्स में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो डिलीट कर दिया पहले था लास्ट अटेम्प्ट तक था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो इन्होंने माइनस कर दिया एमसीक्यू डाले कोई सिलेबस में कोई अगर आप मुझसे बोलो सर ऐड किया है नहीं बट हां मैंने स्टडी मटेरियल पूरा अच्छे से देखा है और मैं अभी उसके रिगार्ड में डिस्कशन में भी उसमें काफ़ी सारी गलतियां जो कि हम रेक्टिफाई करवाएंगे को मैंने अंदर बात बात हैं स्टडीज में भी की कि ये गलतियां मैं मार्कआउट करके आपको देने वाला हूं प्लीज इनको करेक्ट कर लीजिएगा एनी हाउ लेट्स नॉट गो इन टू दैट वापस आते हैं तो एज आई वॉज टेलिंग यू क्या इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं यस yes, कुछ ना कुछ है भाई है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग प्रोसीजर्स की कैसे अलग प्रोडक्ट सर्विस भाई कोई प्रोसेस से होकर निकल रहा है कोई इनपुट डल के सीधा आउटपुट निकल रहा है तो भैया अलग अलग अकाउंटिंग होगी कोई कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार हैं उनकी कॉस्टिंग सबके अलग अलग होगी अच्छा इसके कोई रूल्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। नहीं है। जीरो रूल्स नो स्पेसिफिक रूल्स कोई ऐसे रूल्स रूल्स नहीं है ठीक है जी देन इसके बाद अच्छा एक बात बताओ ये कौन सा डेटा रिकॉर्ड करता है कौन से पीरियड का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और वो कौन सा करता है ओनली फ्यूचर ओनली फ्यूचर अच्छा अब मैं एक बात बताओ डिपेंडेंसी ओवर ईच अदर क्या कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है यस yes. तो हम कहते हैं इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छा क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना हो सकती है नहीं हो सकती हो ही नहीं सकती वो उसको बेसिक इनपुट देता है वो उसको बेसिक इनपुट देता है डिसीजन मेकिंग के लिए तो इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं किया जा सकता देन इसी तरीके से अगर मैं बेस गाइस ध्यान से सुनना हेलो यहां पर क्या है बेस की अगर बात की जाए तो यहां जो है हम लोग कॉस्ट डेटा जो है हमारा बेस देता है कि हम लोग मैनेजमेंट जो है उसको यूज कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डेटा कहां से उठाता है कॉस्ट अकाउंटिंग से और इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी उठाता है जैसे आपके दोस्त अभी कंफ्यूज थे सर पास्ट 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 नहीं वो पास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा उठाएगा पास्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा उठाएगा उसको बेस लेके फिर उसके बाद जो है अपने डिसीजंस एज द केस में भी लेगा नेक्स्ट फिर इसके बाद अगला आता है हायरार्की अच्छा एक बात बताता कोई हेलो कौन नीचे है कौन ऊपर है दो ऑप्शन है एमसीक्यू हो गया ये। कॉस्ट अकाउंटिंग हर में नीचे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर में ऊपर है ऑप्शन वन कॉस्ट अकाउंटिंग हैरारकी में ऊपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैरारकी में नीचे है फर्स्ट और सेकंड चूज करो की समझते हो कौन किसका बॉस है कौन किसका बॉस है कौन किसका बाप है चलो जी अस सी हाउ मेनी ऑफ यू से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से हर में ऊपर है? गुड कोई भी नहीं कितने लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग हायरारकी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ऊपर है एक्सेलेंट सारे गलत है कॉस्ट अकाउंटिंग तो नीचे है बेस है बेस अभी बोला ही था मैंने नीचे है भाई इसको बेस लेके एक बात बताऊ मैनेजमेंट के लिए इट इज लोअर लेवल देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से नीचे है यार टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग कर रही है नो डाउट अबाउट इट कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा ले रही है तो बट इट इज प्लेस्ड एज हायर लेवल कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप ये समझो मैं ये बिल्कुल अग्री करता हूं अब आप बोलते हो सर पहले कौन आया मुर्गी अंडा मैं उसकी बात नहीं करूंगा बट पहले कौन आया कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग पहले आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में आया पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था फिर बाद में मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट मैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में बोल रहा था आज की डेट में मैंने आपको क्या बोला अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं देर आर पीपल हुआ कॉन्शियस देर आर पीपल प्राइस कॉन्शियस देर आर पीपल क्वालिटी एज वेल एज प्राइस कॉन्शियस सो इफ यू वॉन्ट टू केटर टू ऑल यू हैव टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यू नीड टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ तो ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से है एंड सो वन एंड सो फोर तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्लेस एट अर लेवल ऑफ हायर एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट प्लानिंग एक बात बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कितने पीरियड तक के लिए किया जा सकता है साल तक एक दिन का करो हफ्ते का करो महीने का करो क्वार्टर का करो साल का करो साल तक तो इसे हम लोग कहते हैं साल तक जो भी होता है ना उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म इट डील्स इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग यार मैनेजमेंट क्या आपने कभी सुने है फाइव ईयर प्लान सुने कि नहीं सुने सरकार भी फाइव ईयर प्लान रखती है जो भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो पांच साल के लिए जैसे अगर हमारे देश में आती है तो वो भी फाइव ईयर प्लान रखती है यस और नो तो अकॉर्डिंगली इट डील्स विद बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लान हम ये नहीं कहेंगे कि भैया शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये तो कह ही नहीं सकते कि लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तो, no, को डील करती है एज द कैस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो तो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा कोट है भाई मेरा क्या है भाई नीले रंग का कोट मेरी सीट के आगे मैंने टांगा था यार मजाक कर रहे हो मेरे साथ मैं इनको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कस्टमाइज और उसका डिफरेंस फोन फोन किसने मांगा था मैं तो कोट बोला था ना मैंने मैं तो कोट बोला था मैं तो फोन बोला ही नहीं कोट भाई कोट नीले रंग का कोट ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं नाउ प्लीज लेट अस प्रोसीड फर्दर तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तीन डिस्टिंगशन आपसे थियरिटिकली भी पूछे जा सकते हैं इनकी कुछ एमसीक्यू भी बन सकती है चल अब बढ़ते हैं आगे नाउ गाइज प्लीज जल्दी से रिवाइज कराओ हेल्प मी ओवर हेयर एलिमेंट्स के पॉइंट अगर मुझे कॉस्ट क्लासिफाई करनी हो भाई ठीक कर दे यार साइड्स काट दे भाई ठीक कर दे हाँ थैंक यू बताओ भाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या एलिमेंट्स मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़िया अब मेरे को एक बात बताओ मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस अगर हो गया तो मटीरियल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं इट इज द कॉस्ट ऑफ फिजिकल इनपुट यूज इन रिलेशन टू आउटपुट

किसी को कोई डाउट तो नहीं है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाह वाह क्या बात है फिर इसके बाद देन मैंने आपको बोला था सारी डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम कॉस्ट कहते हैं सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं ओवरहेड्स कहते हैं और मैंने आपको एक चीज बोली थी कोई चीज किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट हो सकती है दूसरे के लिए इनडायरेक्ट हो सकती है मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था अगर आप डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट का अपना सुपरवाइजर तनखा उसके लिए डायरेक्ट है उसका अपना जो है लेट सेकंड एग्जांपल उसका अपना किराया लिया हुआ है हमने किराए पे लिया हुआ है एक अलग जगह है किस डिपार्टमेंट के लिए भाई उसका अपना किराया डायरेक्ट कॉस्ट है लेकिन उस डिपार्टमेंट में लेट्स से तीन तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अब एक यूनिट पे आप कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते भाई मैं उसी में शर्ट कोट और लेट सेकेंड एग्जाम्पल पैंट्स बना रहा हूँ शर्ट कोट एंड पैंट्स एक ही डिपार्टमेंट में बना रहा हूँ

अगर सेपरेट किराया तो ये डायरेक्ट हो गया लेकिन जो आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो वो उसके लिए इनडायरेक्ट है वैसे हम हम लोग लोग प्रोडक्ट कॉस्टिंग कॉस्टिंग करते हैं मोस्टली डिपार्टमेंटल की पे मैं ही नहीं नहीं कहूंगा कर सकते बट हमारा ज्यादा फोकस क्या होता है अल्टीमेटली डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग करके भी फिर नेक्स्ट स्टेप वन डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग करो स्टेप टू उस डिपार्टमेंट से उसमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग करो कहने का मतलब क्या है यार एक बात बताओ डायरेक्ट कॉस्ट सर कॉस्ट विच कैन बी कन्वीनियंटली डायरेक्टली इंडिस्प्यूटेबली आइडेंटिफाइड विद्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर तो जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो रहा है इजिली आइडेंटिफाई हो रहा है वो डायरेक्ट है एंड विच कैनॉट बी इज इनडायरेक्ट अब मुझे एक बात बताओ इंडायरेक्ट है नहीं कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो रहा है इसका मतलब यह थोड़ना है कि हम उसे चार्ज नहीं करेंगे करेंगे और उसी का एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे ओवरहेड्स Overage के चैप्टर हम लोग क्या सीखेंगे सीखेंगे कि भाई एक यूनिट में कन्वीनियंटली नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा है कुछ सिस्टम लगाते हैं अकाउंटिंग करते हैं, हैं और एक यूनिट पे कितना चार्ज करना है वो निकालते हैं, calculated and that is called absorption या हैंज क्या कहते हैं एब्जॉप्शन या रिकवरी ऑफ ओवरेज वो हम लोग वहां पर ओवर के चैप्टर में

पर यूनिट में अगर निकालोगे तो जैसे cost, जैसे कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कॉन्स्टेंट रहती है टोटालिटी में बढ़ती रहती है है ना जी स्टेप कॉस्ट एक रेंज तक कांस्टेंट रहती है फिर बढ़ती है फिर अगेन कांस्टेंट रहती है फिर अगेन बढ़ती है फिर अगेन कांस्टेंट रहती है इन प्रैक्टिस जब आप मेरे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो हम स्टेप कॉस्ट को भी घुसा देते हैं फिक्स में यूजली एंड देन सेमी वेरिएबल उसमें क्या होता है सेमी वेरिएबल में फिक्स पोर्शन भी है वेरिएबल पोर्शन भी है सिर्फ फिक्स पोर्शन भी है वेरिएबल पोर्शन भी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं फिक्स पोर्शन को अलग कर देते हैं और वेरिएबल पोर्शन को अलग कर देते हैं वो कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं यार एक मिनट राना इसे ले आए हाँ लेके आओ थैंक यू भाई फुल स्किन हाँ इसको जरा तुम इधर आ जाना ओके okay. दिस इज समिंग दिस इज कस्टमाइज ये जो है ये कस्टमाइज कोर्ट है केस में भी दिस इज मैंने ऐसे शॉप से खरीदा था कौन सा है जारा मैन लड़के हाँ जोरा सर सौरा सर सीर तो है मर्जी भाई तो देखो जी ऐसा है दिस इज प्रॉपर जिसे कहते हैं अगर आप मेरी इसकी हाइट वाइट देखोगे तो ये ठीक ठाक जैसे इसके हैंड ये कहां तक आ रहे हैं आप ये देख सकते हो प्रॉपर आ रहे हैं तो दिस इज वॉट दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग भाई कम करने को नहीं बोला था भाई सिर्फ हिलाने को बोला था इधर से इधर करने को तुम तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ मैं नहीं हेल रहा तुम्हारे साथ तुम क्या कर रहे हो भाई भाई सिर्फ इधर से उधर करना था तुम तो खेलने लग गए मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ तो दिस इज नॉर्मल ओके अब दिखाते हैं वो भी मेरा है पर वो क्या है वो स्टैंडर्डाइज है तो ऐसे में क्या आउटपुट निकलता है अब आप लोग जो लोग वर्चुअली देख रहे होंगे वो उनको जितना दिखता है उसमें ये बड़ा अच्छा लगता है सही में जो लोग वर्चुअली देखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है बट हां आ रहा है पूरा आ रहा है ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा नहीं तो लेता क्यों बस हाँ अगर हाइट में देखोगे तो खत्म हो गया छोटा हो गया <laughs> अब ये मेरा अगर हैंड का हिसाब किताब अगर आप देखोगे बट ऑब्वियसली बात है देर इज अ डिफरेंस इन दिस साइज ये ओके ओके है वो वाला जो उसकी बाजू भी है वो थोड़ी लंबी है आई जस्ट लाइक द शेड अच्छा सा लगा स्कूल ड्रेस की और हमारे आईजीपी में हमने मोस्टली ब्लू कलर रखा हुआ है हमने जो अपना आपके डेस्क का भी कलर है हमारे आईजीपी जी ब्रांड में भी जो है तो ब्लू 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 तो हैं चल यार दिल आ गया इस पे लेकिन है ये बच्चों वाला छोटू सा एनी हवा तो दिस इज द डिफरेंस दिस इज कस्टमाइज्ड दिस इज जॉब कॉस्टिंग ऐसे वहां बहुत सारे कोर्ट थे ऐसे वहां बहुत सारे कोर्ट थे तो so, ये जो है वहां इस रेडीमेड गारमेंट्स में लगती है बैच कॉस्टिंग चलो अब इसमें कंटिन्यू करें क्लास वही पहन लें भाई फुल स्किन लगा दियो एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये पीछे क्यों हो गया ओके okay. लोगों ने ये सब पढ़ लिया था लाओ यार इसको जरा फुल स्क्रीन लगा दो भाई फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन और तुम एक बार आके देख लेना भाई जो सेटिंग करनी है चलो अब जरा प्रैक्टिकल रॉन्ग थैंक यू इसको ले जाओ नाउ फाइनली अस प्रोसीडें ओके okay गाइस भाई ये ठीक आ रहा है तो सही है मैं आ गया हूं वापस ओके okay, चलो नाउ लिसन केयरफुली अब एक्चुअली क्या है मैंने आपको बोला सेमी वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं सेमी वेरिएबल को हम लोग ब्रेक कर देते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल अब वो कैसे ब्रेक रहा है को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मैं नहीं बताऊंगा कैसे ब्रेक करना है आप खुद सोचना मेरे ख्याल से आपको कॉस्ट को बिहेवियर के पॉइंट से पता होगा कि फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में डैश रहती है और वेरिएबल कॉस्ट टोटालिटी में डैश होती है चेंज होती है ये बढ़ती है भाई एक मिनट बिता दे इसको मैं एक मिनट इनका आपके पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन यर सेल्फ ओके लेमीजस्सी कर दे तो गाइस ये आपका एक सवाल है जो कि आप अगर लिखना चाहिए तो लिख भी सकते हैं ये अभी भाई लगा दे यार ओके गाइस सेग्रीगेट द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अब यूजिंग कौन सा है वो मैं नहीं बता रहा सेग्रीगेट फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट वैसे एक मेथड है हाई लो मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डेटा अब मैं नहीं बता रहा आप बताओगे कैसे क्या है चलो एक काम करते हैं मैं आपको क्वेश्चन से लिखवा देता हूं अलग अलग एक ये वाला क्वेश्चन भी लिखवाता हूं एक और क्वेश्चन भी लिखवाता हूं लो जी हेडिंग डालो सेग्रीगेशन ऑफ हेडिंग डालो सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये आपके काम आएगा आगे जब आप मेरे साथ मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे मैं फिर से कराऊंगा वहां पे जब आप मेरे साथ ओवरेज करोगे मैं फिर से कराऊंगा वहां पे क्योंकि उन दोनों चैप्टर्स में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल ठीक है जी सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल क्वेश्चन नंबर वन मेरी तरफ से ये मेरा क्लास का क्वेश्चन है ठीक है जी लेट्स एक्न एग्जांपल ईयर वन और टू आउटपुट यूनिट्स दस हजार और बारह हजार पांच सौ ठीक है जी नेक्स्ट अब आप लोग एक यहां तक लिखने के बाद अभी होल्ड करोगे मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिखा रहा हूं फिर उसमें आगे खेल खेलूंगा लेट मी फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू लेट से इनकी ये लिखना नहीं है जो मैं लिख रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं अब नहीं लिखना लेट्स इनकी वेरिएबल कॉस्ट है रुपीस ट्वेंटी पर यूनिट तो टोटल दो लाख रुपए हो गया ये और ये टोटल दो लाख पचास हजार रुपए हो गया और टोटल जो इनकी फिक्स कॉस्ट है वो है तीन लाख रुपए। तो चाहे इन्होंने दस हजार यूनिट्स बनाई है चाहे बारह हजार पांच सौ यूनिट बनाई है, इनकी फिक्स कॉस्ट सेम है यस इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई टोटल कॉस्ट पांच लाख रुपए और पांच लाख पचास हजार रुपए ये ऐसे है अब आप लिखना शुरू कर रहे हो मेरे साथ मैंने आपको आंसर दिखा दिया आंसर क्या है लो जी लिखो टोटल कॉस्ट मैंने नहीं बताया फिक्स और वेरिएबल कितना है टोटल कॉस्ट इज रुपीज पांच लाख और पांच लाख पचास हजार रुपए अब इस डेटा से आपको निकालना है कि फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है ठीक है इस डेटा से आपको निकालना है कि फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है तो इन दिस केस कंप्यूट मेरी रिक्वायरमेंट ए पार्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये करके बताओ दूसरा पार्ट टोटल फिक्स कॉस्ट मैं इंतजार कर रहा हूं, कर लिया एक भाई ने माइक चाहिए भैया हेलो ये फिर गायब है भैया क्लास में रहा करो खोपचे में मत जाया करो इधर माइक दे दो गुड एक्सलेंट मार्वलस हाँ भाई हेलो सर वेरिएबल कॉस्ट परियोड निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करेंगे तो एडिशनल हमने पाँच लाख लग... खर्चा बढ़ा और कितना पाँच पचास हजार का खर्चा बढ़ा पचास हजार सोच समझ के बोलो हाँ, पचास हजार का खर्चा बढ़ा हाँ, और ढाई हजार यूनिट और एडिशनल हमने प्रोड्यूस करी ठीक तो बीस रूपए का खर्चा हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करेक्ट लो जी आंसर आपके दोस्त ने बताया ए पार्ट प्रेजेंटेशन कैसे होगी अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लुक एट माई आंसर दिस इज द प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड ऑफ यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी खत्म नहीं हुआ है आप ऐसे लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू लिखोगे चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या लिखोगे चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन मैंने वॉल्यूम लिखा आउटपुट लिखा चेंज इन आउटपुट Units. पहले आपने लिख है इक्वेशन फिर उसमें फीड करनी है फिगर फुल आउट ऑफ फुल के लिए डिस्क्रिप्टिव में यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे राइट दी आंसर बीस रुपए यूनिट एमसीक्यू होता मेरे को सब चलता था अब आपकी चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी है अब आप देखो आपके दोस्त ने बिल्कुल सही बात बोली कि सर फाइव लाख से फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गया इसका मतलब फिफ्टी थाउजेंड बढ़ गया रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और कितने वॉल्यूम की वजह से 2500 यूनिट्स की वजह से तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज ट्वेंटी किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ ये आपके दोस्त ने बताया बिल्कुल सही बताया बहुत बढ़िया आप सेकंड पार्ट बताओ भाई सर फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आ, पहले वाले में जब दस हजार यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं करेक्ट फिक्स कॉस्ट अब हमारी आ जाएगी तीन लाख रुपए बहुत बढ़िया

अब जैसे आप पहले वाले आउटपुट से करना चाहो पहले वाले कर सकते हो दैट इज टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी पांच लाख फाइव लाख रुपीज माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन लिख भी देता हूं आपके लिए दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप एग्जाम में वीसी सी पु लिख सकते हो नॉर्मल है मतलब आगे चल के आपको आदत हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे कॉस्ट का शॉर्ट चल जाता है एक बार आपने फिक्स कॉस्ट लिखा आगे एफ लिख दिया सब चलेगा वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी लिखोगे वीसी एवरीबडी एस पी सेलिंग प्राइस एवरीबडी नोज जैसे आप नहीं लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो पी एन एल अकाउंट वैसे फॉर योर नॉलेज वो पी एंड एल नहीं होना चाहिए वो पी ओबली एल होना चाहिए अकाउंट बट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पांडु एक ही चीज होगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्या है? पांडु इज नॉट अ गाली पहले क्लरिफाई कर दो पांडु इज धृत का छोटा भाई तो पांडु मीन्स छोटा भाई ये पांडु क्या कर रहे हैं छोटा ये छोटे छोटे की जगह पांडु तो दिल पे नहीं लेने का आपस में एक दूसरे को मत बोलना शुरू कर देना ओके सो दिस इज रुपीज थ्री लाख या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते थे पांच लाख पचास हजार माइनस रुपीज ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स दिस इज आउटपुट तो ऐसे करके लिख सकते हो वी सी इंटू आउटपुट तो ये बारह हजार पांच सौ यूनिट्स ब्रैकेट क्लोज तो 550 में से 250 कटा थ्री लाख जैसे मर्जी निकालो भैया कहा है भाई से माइक ले ले और दो चॉकलेट दे दे दो चॉकलेट गुड एक्सलेंट दिस आपके दोस्त ने बताया मैंने नहीं बताया बस मैंने प्रेजेंटेशन दिया है देखो मेरा ना ऑब्जेक्टिव यही है कि आपसे आंसर निकलवाऊं हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को लगे कि यार उसने बता दिया मेरे दिमाग में तो आया नहीं इट इज ओके नया सब्जेक्ट है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जस्ट ट्राई टू कैच दिस थिंग अपना दिमाग लगाओ मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है मैं आपको आंसर्स दूंगा नहीं मैं आंसर्स तक लेके जाना पसंद करूंगा आई वुड प्रेफर यू टू वॉक योर सेल्फ राधर देन मी वॉकिंग फॉर यू ठीक है जी किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब मैं वापस से इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं अब इसको क्रैक जो जल्दी करता है मुझे बताना प्लीज आपको फिक्स कॉस्ट टोटल और वेरिएबल कॉस्ट टोटल बतानी है मैं वेट कर रहा हूं हुए डज दिस अर्ली प्लीज रेज योर हैंड एज द केस में वी डिफरेंट है ना उसमें यूनिट दी हुई थी इसमें सेल्स वैल्यू दी हुई है हा हा बाबा अभी तक किसी का रीजन नहीं हुआ क्या बात है मजा आ गया फिर तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके चैप्टर वन का ये क्वेश्चन नंबर एट है दिस इज योर चैप्टर वन में क्वेश्चन नंबर एट लाओ यार माइक लो जल्दी जल्दी भैया ये भाग गया फिर से कहा चला गया भाई माइक दो वो पीछे 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 पहले रेज हैंड हुआ था वहां हाँ यस लाओ बताओ मेरे दोस्त दोस्तेंट फोर्टी फोर थाउजेंड गुड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों की अलग अलग बताओ पॉइंट टू रुपीज सर पर यूनिट मैं नहीं खेल रहा था, था तुम्हें किसने कह दिया पॉइंट टू पर यूनिट है दो सौ रुपए पर यूनिट है तुम्हें क्या पता पॉइंट टू कैसे आया टी शर्ट बेच रहे हैं बीस पैसे की है पॉइंट टू नहीं है बेटा वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कहलाती है इफ यू आर टू कैलकुलेट दैट दैट इज कॉस्ट रेशियो आई नीड टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू टोटल भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिर से बोल रहे पर यूनिट तो तुम्हें तो पता ही नहीं है बेटा ये देख मैं और डेटा देता हूं जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बना के दिखाया था ना ये लो मैं दिखाता हूं सुनो भाई हेलो ये सीन क्या है ये 140 यूनिट्स बेच रहे हैं हजार रुपए की और ये 80 यूनिट्स बेच रहे हैं हजार रुपए की अब बता ये ऐसे आया वन लाख फोर्टी थाउजेंड और एटी थाउजेंड तुम्हें क्या पता पर यूनिट पर यूनिट पे क्यों चिपक का हुआ है मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ पर यूनिट नहीं होता यूनिट यूनिट नहीं है यहां ट्राई लास्ट ट्राई कम ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी है और इसमें कितनी है उसके बिना तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं आती 28,000 और दूसरे की एब्सोल्युटली करेक्ट गुड बट तुमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर लिखा होगा उसमें तो वो मार्क्स कट जाएंगे बट कोई बात नहीं है इसके बाप क्वेश्चन करोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये तो कुछ भी नहीं है इसका पापा करोगे तो पहला चैप्टर है पहले चैप्टर में कुछ नहीं मक्खन बेस लेवल अभी आपको टर्मिनोलॉजी और वो चीजें नहीं पता भाई को दो चॉकलेट देना नहीं एक देना यार एक गलती करिए हाउ टू डील विद दिस व्हाट यू नीड टू डू सुनो गाइस सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए इज आप ये देखो हमारी जितनी भी सेल्स वैल्यू बदल रही है जैसे यहां सेल्स वैल्यू कितनी बदल रही है सिक्सटी थाउजेंडो तो रुपी थाउजेंड सेल्स बदलने में इसे मैं कहता हूं चेंज इन सेल्स वैल्यू डेल्टा पता होगा आपको तो चेंज इन टोटल कॉस्ट जितनी टोटल कॉस्ट बदल रही है वो कौन सी कॉस्ट है फिक्स या वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है बारह हजार मेरी बात ध्यान से सुनना ये मैंने नहीं बनाया ये आपको ये वाली चीज पता है ये बना कैसे है मैं आपके सामने अभी दिखाता हूं ये क्वेश्चन कैसे बना है इनकी सेल्स वॉल्यूम वन और टू लेवल पे 1000 units, 800 units. Oh, uh, एक हजार यूनिट्स आठ सौ यूनिट्स ओ एक मिनट एक हजार यूनिट्स नहीं एक सौ चालीस यूनिट्स और ये एट्टी यूनिट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीस थाउजेंड रुपीस थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज टू हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड एंड फिक्स कॉस्ट रुपीस फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज फोर्टी फोर थाउजेंड तरीके से बना है जस्ट फॉर नॉलेज ऐसे ही दिखा रहा दो तो हमने ये ये नहीं लिखना है ये जस्ट फॉर नॉलेज ऐसे कि आपको फ्रेमिंग दिखा रहा बट ट्वेंटी एट थाउजेंड है ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी फोर थाउजेंड इज मिनट ये ट्वेंटी एट अट्ठाइस हजार हुआ ना ये है ना अट्ठाईस हजार प्लस सेवेंटी टू मिसिस प्रिंटिंग कैसे हो रही है हमसे ये रहा सेवेंटी टू थाउजेंड ये सेवेंटी टू थाउजेंड टोटल कॉस्ट सिमिलरली वन टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एट्टी इज वेरिएबल कॉस्ट थाउजेंड एंड साथ में फिक्स कॉस्ट फोर्टी फोर थाउजेंड इस टोटल कॉस्ट सिक्सटी थाउजेंड आपको क्या दिया हुआ है देखो ये डेटा गायब है सारा मुझे सिर्फ दिया हुआ है कि भाई इसकी सेल्स वैल्यू सेल्स वैल्यू कितनी है वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज एक सौ चालीस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस अस्सी हजार रुपए मेरे को सेल्स वैल्यू पता है और मेरे को टोटल कॉस्ट पता है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप समझो फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है ये और नो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलती है सिक्सटीन थाउजेंड से ट्वेंटी एट थाउजेंड हो गई तो एक्चुअली देर इज अ रेशियो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे मेरे साथ मार्जिनल कॉस्टिंग में इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस पढ़ना है वहां पर भी पढ़ोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यहां पर भी पढ़ोगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट रेशो वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू हंड्रेड या चेंज इन टोटल कॉस्ट सारी वेरिएबल होती है या और नो अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू हंड्रेड ये मैंने जस्ट वन नॉलेज बताया इज जस्ट फॉर नॉलेज दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड या चेंज इन टोटल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है अपॉन चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड इस तरीके से आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हो नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन वापिस से क्वेश्चन देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन इज दिस बात समझो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बारह हजार बदली है ये yes. कितनी सेल्स वैल्यू की वजह से डाउन की वजह से इसका मतलब मेरी सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है जैसा आपका दोस्त बोलता था ट्वेंटी पैसे पर यूनिट नहीं ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स वैल्यू माय वेरिएबल कॉस्ट इजेंटी परसेंट ऑफ सेल्स वैल्यू आप देखो ना यहां इस एग्जांपल में हजार रुपए सेल वैल्यू में दो सौ रुपए ट्वेंटी परसेंट ही है चाहे जो मर्जी कर लो जितनी मर्जी वॉल्यूम कर लो तो अल्टीमेटली नाउ वंस अगेन मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस ट वॉज द क्वेश्चन वॉज एक पॉइंट पे सेल्स है मैं इसको मिटा रहा हूं 140,000 दूसरे पॉइंट पे सेल्स है 80,000 एक पॉइंट पे टोटल कॉस्ट है 72,000 एक पे है 60,000 इसे कहते हैं लो पॉइंट इसे कहते हैं हाई पॉइंट तो अल्टीमेटली हाउ डू यू राइट द आंसर आओ आंसर लिखो आओ आंसर लिखो आपने ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर में लिख लेना क्वेश्चन नंबर एट चैप्टर वन चैप्टर वन का क्वेश्चन नंबर एट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल ही जाएगा ठीक है जी कमिंग वीक में आपको बुक मिलेगी अभी इसको स्टिल मैं अपलोड कर दूंगा टिल द टाइम आपको किताब नहीं मिलती मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आई एल पुट द पी ऑफ पीछे के क्वेश्चन ठीक है अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा मैं ये जो पीछे के क्वेश्चन है हमारे राइट क्वेश्चंस डालूंगा आंसर्स नहीं डालूंगा पीछे बुक में क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं चैप्टर वन में क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं क्या हुआ मेरा टेलीग्राम है आईजीपी क्लासेस आईजीपी क्लासेस ओके गाइस राइट इट डाउन वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू आप ऐसे डेल्टा यूज कर सकते हो किसने चेंज इन लिखना हो चेंज इन लिखो चेंज इन या डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन आपने चेंज इन लिखना हो तो चेंज इन लिखो नहीं तो डेल्टा सेल्स वैल्यू इन टू हंड्रेड लिख लिया अब चेंज इन टोटल कॉस्ट बताओ हमारी टोटल कॉस्ट हाई पॉइंट पे कितनी थी सेवेंटी टू थाउजेंड लो पॉइंट पे कितनी है थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट बताओ सॉरी सेल वैल्यू बताओ सेल वैल्यू वन लैखी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड इनटू हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट आई होप एवरीबडी अग्रीज विद मी आपको हमेशा प्लीज याद रखना पहले इक्वेशन लिखो फिर फिगर्स फीड करो फिर आंसर निकालो तीन स्टेप में हमारा आंसर डिस्क्रिप्टिव में फुल, फुल आउट ऑफ और छोटी से छोटी चीज भी आप लिख के आओगे छोटी से छोटी बात भी समझा के आओगे कि एग्जामिनर एक छोटा बच्चा है उसे कुछ नहीं आता एक्सप्लेन एवरीथिंग छोटी से छोटी बात भी लिख के आएंगे भाई तुझे समझ में आ गया तो तू खुश होके आउट फुल ऑफ फुल देगा देन इसी तरीके से अगर आपको लेनी है सुनो मेरी बात नाउ सेल्स वैल्यू एक कॉलम वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स वैल्यू दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम इज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हम लोगों ने ऐसे दिखाया ओके okay गाइस पहली चीज एक बात तो पहली सेल्स वैल्यू उसने क्या बताई हुई है मुझे वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई सेल्स वैल्यू दैट इज वन लाख फोर्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट टू रुपीस ट्वेंटी एट थाउजेंड और दूसरा टोटल कॉस्ट कितनी है गई इस सेवेंटी टू थाउजेंड थी माइनस ट्वेंटी एट थाउजेंड कर दो रुपीस फोर्टी फोर थाउजेंड एक हो गया दूसरा नंबर रुपीज वन फोर्टी के बाद एटी थाउजेंड रुपीज एटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी परसेंट इज इक्वल टू रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड ये वेरिएबल कॉस्ट और यहां रुपीज सिक्सटी थाउजेंड माइनस रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड इज इगुल रुपीज फोर्टी फोर थाउजेंड आप में से किसी को कोई भी डाउट है इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क मी राइट नाउ किसी को कोई डाउट नहीं है गुड सो दिस इज सेल्स वैल्यू उसमें फिर ये वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इनटू सेल्स वैल्यू एंड फिक्स कॉस्ट ये वाली चीजें आपने आगे चल के प्रैक्टिकली मेरे साथ आगे के चैप्टर में पढ़नी है मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने ये वाली चीज फिर से पढ़नी है मेरे साथ वेरिएबल कॉस्ट हटा दे नेक्स्ट पेज ले लू किसी को कोई डाउट नहीं है कूल भाई को माइक दे यार आप लोग इतने ये अगला क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं बेटर है क्योंकि आंसर नहीं तो चीटिंग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर नाइन था ना नाइन एट था नाइन था अच्छा आप नाइन करा रहा हूं ऐसा ठीक है।, है जी क्वेश्चन नंबर नाइन करा रहा हूं मतलब लिख रहा हूं मैं लास्ट मंथ लिखना नहीं है बेशक मतलब लास्ट मंथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी तीन हजार रुपए, जिसमें कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज अज्यूम्ड कि इसमें वेरिएबल कितना है सेवेंटी परसेंट है कंप्यूट टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इफ प्रोडक्शन

मेरे दोस्त बड़ी सिंपल सी बात ये फॉर्मूला ऐसे बना ये रहा ये मैंने अभी आपके सामने लिखा था वापस से मैंने जो क्वेश्चन बनाया था उसको देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या था हजार मैंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट 200 तो क्या मैं कह सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट 20 परसेंट ऑफ सेल्स है इसको मैं ऐसे लिखता हूं दो सौ रुपए इंटू अब आप एक सौ चालीस यूनिट्स ले लो तो सेल्स वैल्यू हजार इंटू एक सौ चालीस यूनिट्स ले लो और अट्ठाईस हजार अपॉन एक लाख चालीस हजार कर दो इंटू हंड्रेड कह दो सिमिलरली दो सौ इंटू एटी यूनिट्स डिवाइड बाय हजार इंटू एटी यूनिट्स और सिक्सटीन थाउजेंड बाय एटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड ऐसे कह दो या फिर ये तो हो गया ये वाला फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अब सेल्स इंटू हंड्रेड दिस दिस सेम अब ये यहां से ये बना कैसे बना बच्चे मेरे को एक बात बताओ। हमारे एग्जाम्पल में वेरिएबल कॉस्ट आई थी ट्वेंटी एट थाउजेंड यस सर और सिक्सटीन थाउजेंड यस सर फिक्स कॉस्ट थी फोर्टी फोर थाउजेंड और फोर्टी फोर थाउजेंड वाली तो सर सिक्सटी टोटल कॉस्ट थी सेवेंटी टू थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड और सेल्स थी वन लाख फोर्टी थाउजेंड और एटी थाउजेंड अब मेरे दोस्त एक बात चेंज इन टोटल कॉस्ट है कितना है बारह हजार फिक्स कॉस्ट तो नहीं है ना फिक्स कॉस्ट तो नहीं बदलती ना वो तो जीरो है Yes, ये तो जीरो है, तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कॉस्टीन थाउजेंड कितना ट्वेल्व थाउजेंड है सोलह yes, हजार से वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी हो गई बारह हजार बढ़ गई तुम्हारी चेंज इन टोटल कॉस्ट जितनी है सारी की सारी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है yes, और वो किस वजह से इस सेल्स बदलने की वजह से चेंज इन सेल्स साठ हजार की वजह से तो दिस इज नथिंग बट बेटर वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स वॉट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड यहीं से तो पैदा हुआ था ये देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन सेल्स मैंने पहले लिखा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिसियबल से आपको फिगर्स के साथ भी समझाया अभी भी कोई डाउट है तो बताओ सर थैंक यू सर वेलकम हाँ जी ये हो गया है पिछला वाला सवाल अब मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था कहा गया हमारा सवाल मैंने अभी लिखा था ये रहा नहीं ये तो पिछला था ये रहा माइक दो यार यस माय डियर सर मैंने uh, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी उसमें से पहले सेवेंटी परसेंट निकाला उसका सबसे पहले भाई ने प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट निकाला देखो जी प्रेजेंटेशन देख लो प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट सेमी वेरिएबल कॉस्ट

प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट भी निकाल ले सुख हो जाएगा नाइन हंड्रेड है 900. तो वो लिख लेंगे ना तुमने फिर सीधा ही तुम पचास परसेंट बढ़ाने लग गए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा <laughs> पहले प्रेजेंट का, का काम खत्म कर देते हैं फ्यूचर yes. में उसके बाद जाते हैं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिक्स कॉस्ट सब सेम है दोस्त बता कैसे निकलेगी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस जो प्रेजेंट हमारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये इसको बेशक में प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट या सिर्फ फिक्स कॉस्ट से लिख देता हूं काफी है हाँ दोस्त तो बताओ ये कैसे निकला कितना था तीन हजार रुपए माइनस टू थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी वन हंड्रेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू वाह वाह शाबाश क्या बात है मजा आ गया अब बताओ कितना आ गया नाइन हंड्रेड अगेन प्लीज Guys, मैंने नहीं किया ये तीन हजार रुपए सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि उसमें सेवेंटी परसेंट वेरिएबिलिटी दिया है इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना हो गया ट्वेंटी इसमें से अगर मैं ट्वेंटी वन हंड्रेड तीन हजार में से माइनस कर दूंगा तो नौ सौ बच गया ही मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ इज इट ओके कितने लोग वैसे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी वाओ एक्सेलेंट इसी तरीके से आपका ग्राफ बस ऊपर होता जाए यही चाहिए यस माय डियर आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेन मेन आंसर बताओ सर फिर मैंने जो प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट है उसको 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन पे माना था और मैंने पर यूनिट निकाला है रुपीस ₹21 हमारी वेरिएबल कॉस्ट अरे तो वेले लोग हैं भाई पर यूनिट पे क्यों खेलते हो यार परसेंटेज में खेल ले यार यस लोग पहले थोड़ी देर में आए चलो खैर कोई बात नहीं मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सच एजम्पशन सीधा हो सकता तो सीधा करते हैं चलो आगे बोलो तो फिर वही 50 इंक्रीज किया तो 150 21 और हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 3150 3000 150 ये हमारी क्या है वेरिएबल कॉस्ट yes, और फिक्स कॉस्ट द 900 फिक्स ही रहेगी तो टोटल कॉस्ट टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 4050 बिल्कुल सही तो एक्सपेक्टेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इफ डक्शन इंक्रीजेज बाय 50 परसेंट गाइज सिंपल सी बात है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों होता है जितनी भी आपकी प्रेजेंट सेमी प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट है हैं सीधी बात यह है उसका 50 परसेंट बढ़ जाएगा इंटू वन फिफ्टी परसेंट खत्म होगी बात पर यूनिट पर यूनिट में क्या खेलू भाई सिंपल सी बात है मेरी प्रोडक्शन अगर 50 परसेंट बढ़ेगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 50 परसेंट बढ़ेगी अब कोई इसको इंटू वन फिफ्टी परसेंट करे या कोई ऐसे करे प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिफ्टी परसेंट और प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट मर्जी आपकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्लस फिक्स कॉस्ट प्रेजेंटेशन आपके डिस्क्रेशन है प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी ट्वेंटी वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी परसेंट प्लस रुपीज नाइन हंड्रेड तो दिस इज रुपीज फोर जीरो फाइव जीरो राइट कूल गुड अब इसके बाद क्या होगा ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते थे आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते थे रुपीज ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी वन हंड्रेड भाई को दो तो चॉकलेट देना यार ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई प्लस नौ सौ इज इक्वल टू अगेन फोर जीरो फाइव जीरो प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है कैसे करना है मर्जी है किसी को कोई डाउट है तो पूछो सुपर मेजोरिटी ने तो यहां कर ही लिया था और वर्चुअल में भी मैक्सिमम लोगों के सही जवाब है बस एक हमारे यहां पे अनुराग है जिनका के आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा फोर फोर सेवन जीरो निकाला कैसे होगा उन्होंने भी फोर फोर सेवन जीरो निकाला है नहीं ना अच्छा आंसर दिखा दो श्योर लो जी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन और करके मैं ब्रेक दे रहा हूं आपको ये आपका अगला सवाल नीचे कर दूं भाई नाउ इसमें भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेग्रीगेट करनी है लाइट बहुत जा रही है फ्लक्चुएशन हो रही है कोई बात नहीं डजेंट मैटर वापस आ गई ना गुड है सर गलती से मैंने सेवेंटी परसेंट ले लिया था फिफ्टी परसेंट की जगह मैं वही कहूँ आंसर कैसे आया अनुराग ने एक्सप्लेन किया कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी लाओ यार वैसे कितनी गलत बात है ना गलती लड़के ने की लेकिन इल्जाम जो है लड़की पे लगा रहा है कहता है सर दिस वाज मिस्टेक मतलब सारी गलतियां मिस इंटरप्रिटेशन मिस अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक, मिस हैपनिंग कम्युनिकेशन, मिसेज होती है ना तो <laughs> तो उसके बाद गलती सारी बंदे की होती है जब तक मिस होती है कह सकते हो मिसेज के बाद वो था ना एक लड़की एक बार इंडिपेंडेंट गर्ल इंडिपेंडेंट गर्ल पहुंची एक आ, बंदे के पास डॉक्टर के पास साइकोलॉजिस्ट के पास उससे बात चल रही थी कहती

कई सही होते हैं कई गलत होते हैं होता है कि नहीं मैक्सिमम सही होते हैं बट कोई कोई गलत होती है हाँ तो किसी गलत काम का किसी और के ऊपर सर पे मरने के लिए तुम्हें कोई चाहिए होगा कि नहीं कि तेरी वजह से गलती हुई तो दैट इज द रीजन यू मैं मम्मी पापा को जाके कह रही हूं हा, हा मैं शादी के लिए तैयार हूं दिल पे मत लेना इट वाज जस्ट फॉर जेस्टिंग और मजाक दिल पे मत लेना अच्छा चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यहीं से मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर टेन टनाटन गाइस ये है सवाल नंबर दस कैपेसिटी आपको सिक्सटी परसेंट और एटी परसेंट दी हुई है ठीक है जी वॉल्यूम उसको वो कह रहा है एक्स इज 150 एंड 200 हंड्रेड एंड लास्ट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस उसको वो कह रहा है वाई इज इक्वल टू रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एंड रुपीज ट्वेल्व सेवेंटी फाइव ध्यान से सुनना अभी आप सीधा चेंज इन कॉस्ट वेरिएस्ट चेंज इन वॉल्यूम कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगा दैट्स नॉट दी प्रॉब्लम अब वो अपनी प्रेजेंटेशन भी बोल रहा है मुझे आंसर ऐसे प्रेजेंट करके दो वो कह रहा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कहता है एक काम करो सेग्रीगेट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट यूजिंग द इक्वेशन जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखी हो उन्होंने ऐसी इक्वेशन देखी होगी कभी ना कभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर एम इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट x इज वॉल्यूम c इज कॉन्स्टेंट या फिक्स कॉस्ट ये कोई कहे सर ये एम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे है मैं बता देता हूं एम मार्जिनल कॉस्ट से निकला तुम्हें याद है मैंने आपको marginal cost और कॉस्ट बोला था एक ही चीज होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स इज वॉल्यूम सी कॉन्स्टेंट या फिक्स कॉस्ट इस इक्वेशन को यूज करके आपने सॉल्यूशन निकालना है चेंज इन चेंज इन तो मैंने बता ही दिया था वैसे तो हो ही जाएगा बट इस प्रेजेंटेशन से करना है जो सबसे पहले कर ले मेरे पास रजिस्टर भेजना जो सबसे पहले कर ले मेरे पास रजिस्टर भेजना सर आंसर आ गया बट पिछले सवाल में सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी उसने बता दिया ना लक्की काका उसने मेरे को बोल दिया कि इस में इस कॉस्ट में इतनी वेरिएबिलिटी है उसने क्वेश्चन में बोला इट इज अज्यूम्ड कि इसकी सत्तर परसेंट वेरिएबल है इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जब उसने दिया तो वही तो इंटरप्रेट कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं इतना तो हो गया भाई रजिस्टर लेके आना भाई का आंसर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दट इज से रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड वाई आपको पता हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी ओके okay. वाह इसे कहते हैं रेड़ मारना भाई ये क्या तुमने इक्वेशन बना दी मेरे ऊपर कर दिया मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ ये क्या आंसर चाहिए भाई मेरे को आंसर ढूंढना है सुनो भाई एम नहीं पता एक्स तो पता है ना 150 प्लस कांस्टेंट नहीं पता रुपीस सेग्रीगेट करनी है फिक्स कॉस्ट अलग से बतानी है और वेरिएबल कॉस्ट टोटल अलग बतानी है ये बताना है आपको निकालना क्या है करना क्या है सर इसमें 1275 ट्वेल्व सेवेंटी फाइव इज टू एम इन टू टू हंड्रेड प्लस सी आपने बचपन में मैथ्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा इसको इक्वेशन वन कह देते हैं इसको इक्वेशन टू कह देते हैं फिर टू में से वन माइनस कर देते हैं तो टू में से वन माइनस कर देते हैं टू ये इक्वेशन वन हो गई इक्वेशन टू हो गई टू में से वन क्यों माइनस कर रहा हूं टू बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस करते हैं टू माइनस वन तो वी गेट वॉट ट्वेल्व सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व हंड्रेड इज इकल टू रुपीज सेवेंटी फाइव तो ये हो गया हमारा फिफ्टी एम सी तो कैंसिल हो गया सी माइनस सी तो फाइनली एम या मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय फिफ्टी इज इक्वल टू रुपीज वन पॉइंट फाइव ठीक है अभी मैंने यहां यूनिट्स वर्ड यूज किया है क्वेश्चन मेरे हिसाब से अडेप्ट किया है थोड़ा सा अच्छा तो ये इन दिस केस 1.5 ये आ गया है फाइनली अब आप इसकी एम की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप कहोगे सब्सटीट्यूटिंग यही निकालना था वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या मिलता है देखो आप कहोगे बारह सौ रुपए इज इक्वल टू रुपीज 1.5 पॉइंट 150 यूनिट्स प्लस सी तो सी इज इक्ल टू ये इक्वेशन वन चल रही है अभी माइनस रुपीज टू ट्वेंटी फाइव बताओ कितना है ये नाइन सेवेंटी फाइव सेकेंड भी इसी तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो रुपीज ट्वेल्व सेवेंटी फाइव इज इक्वल रुपीज वन पॉइंट फाइव इंटू टू हंड्रेड प्लस सी सो सी इज इक्वल टू रुपीज ट्वेल्व सेवेंटी फाइव माइनस रुपीज थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू इन सेवेंटी फाइव आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगी फाइनली लास्ट बॉट द लीस्ट आप आंसर कंक्लूड कैसे करोगे टोटल वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम 150 एंड 200 गाइज अभी अभी हमने ऊपर निकाला था टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया था ना ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट येस yes, प्लीज पहला वाला आया था रुपीस टू टू फाइव वेरिएबल कॉस्ट और ये तो है ही नाइन सेवेंटी फाइव टोटल मिला के बारह सौ लास्ट बट नॉट द लीस्ट रुपीज थ्री हंड्रेड रुपीज नाइन सेवेंटी फाइव रुपीज टवेंटी फाइव एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन विच इज अ गुड प्रेजेंटेशन वैसे मैंने आपको बुक में भी एक प्रेजेंटेशन दी है ठीक है जी तो मेरी तरफ से आप का वन ऑफ द गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग जो क्वेश्चन डेटा जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये है इसमें उन्होंने थोड़ा सा लेबर आर्स से कर रखा है कोई बात नहीं वो लेबर आर्स ना करके मैंने आप में से किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं है तो मेरी तरफ से आप लोगों का 10 मिनट का ब्रेक शुरू होता है अब 10 मिनट बाद हम कुछ नया सीखेंगे और मिलते हैं 10 मिनट्स में चलो गाइस ब्रेक खत्म शांत हो जाओ अस डिस्कस लाओ यार गाइस बातें बंद कर दो प्लीज डू नॉट टॉक हेलो शांत हो जाओ नाउ लास्ट क्लास में मैंने शांत 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 लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या टेक्निक है कॉस्ट को बांटती है इस तरीके से प्रेजेंट करती है कॉस्ट डेटा को कि ट्रू कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज रिवील्ड इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को ना हेलो जब आप मेरे साथ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे तो मैं आपको बोलूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड सी

है. आपको याद हो तो हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई थी Do you remember? Sales में से माइनस करते हैं क्या Variable cost या तो क्या बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन इस कॉन्ट्रीब्यूशन से हम क्या रिकवर करेंगे फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे और फिक्स रिकवर करने के बाद जो कुछ बचेगा प्राउड ऑफ यू एक्सिलेंट ये इस चैप्टर में हमें कमांड बनानी है अगर जिंदगी में आपने कभी भी धंधा करना है या डिसीजन मेकिंग में आना है टॉप मैनेजमेंट में पहुंचना है कंसल्टेंसी करनी है ये टेक्निक पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए अलोंग विद अलोंग विद अदर टेक्निक्स वी विल बी स्टडिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन चेक करनी है ठीक है कंसल्टेंसी में वो भी एक एरिया होता है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट्स बनाना उस पर मास्टरी चाहिए आपकी और फिर जो है दीज थिंग्स आर द मोस्ट प्रैक्टिकल यूज्ड एरियाज जो कि टॉप मैनेजमेंट यूज करते हैं बढ़ते हैं आगे तो कैस हम लोगों ने ये डिस्कस किया था एक क्वेश्चन याद हो तो ये वाला कुछ वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला याद है एक इवन पॉइंट वाला क्वेश्चन यू वो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये हम लोगों ने बर्गर पॉइंट वगैरह वाला कुछ क्या थे चालीस हजार बर्गर बेच रहे थे तो इसमें रेंट बताओ फिक्स है फिक्स लाइटिंग फिक्स सैलरीज फिक्स डेप्रिशिएशन ऑफ इक्विपमेंट फिक्स इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स बन पैटी वेजिटेबल्स वेरिएबल गैस वेरिएबल ऑयल वेरिएबल चौबीस तो केस में हमसे क्या मांगा गया था पहले वेरिएबल कॉस्ट बताओ तो हम लोगों ने ये कर लिया था और फिक्स कॉस्ट बताओ तो आप लोगों ने ये किया था ये बन पैटी गैस ऑयल इनको वेरिएबल कॉस्ट टोटल और ये चालीस हजार बर्गर का था तो एक बर्गर का दस रुपए हो गया फिर कॉस्ट को भी जो आपने बताए उनको टोटल किया था ये हमने पहला पार्ट इस क्वेश्चन का ऐसे कर लिया था फिर उसने कहा अगर सेलिंग प्राइस पर बर्गर ट्वेंटी फाइव रुपीज है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा टेन हो गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर बर्गर पंद्रह रुपए हो गया कहता है व्हाट अमाउंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं प्रीवियस मंथ में एज द केस में भी आर लॉसेस इन कर कर रहे हैं तो हमने क्या किया था हमने यही वाली इनकम स्टेटमेंट बना दी थी मिल जा भाई मिल जा मिल जा मिल जा, मिल जा। आगे घुस गई है छुप गई है ये रे तो हमने क्या किया था सेलिंग प्राइस ₹25 रुपीस। इससे भी और आगे होगा ये तो ₹25 मल्टीप्लाईड बाय 40000 बर्गर 25 40000 10 लाख 25

और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था तो मैंने आपको इसका दो तरीके बताए थे एक तरीका तो मैंने कहा था एक्स से कर लो लेट बी पी जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ बर्गर्स एक्स ले लो टोटल सेल्स वैल्यू पच्चीस इंटू एक्स बर्गर्स वेरियबल कॉस्ट इज टेन इंटू एक्स बर्गर वही जो अभी नहीं बनाई थी जैसे बना रहे थे तो यहां बस टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट करना है हमने है ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट जिससे एक्स की वैल्यू आ गई थी नहीं तो मैंने आपको एक तरीका बताया था

तो कितने बर्गर्स देंगे तो ये मैंने आपको बताया था आप सीधा भी कर सकते हो टोटल फिक्स कॉस्ट छह लाख रुपए डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बर्गर दैट इज पंद्रह हो तो इसी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें रुपीज ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम लोग कहते हैं बीईपी वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू रुपीज टेन लाख सेल्स वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट की इस लाख रुपीस ये हमने लास्ट क्लास में किया था आई होप यू रिमेंबर दस क्योंकि अब नेक्स्ट जो एम सी क्यू में पहले करा रहा हूँ मैं पहले नेक्स्ट एम सी क्यू करा रहा हूँ उस एम सी क्यू में आप लोग मेरे को बता रहे हैं हटा रहा हूँ इसको हेयर वी गो लेटरसी कौन पहले क्रैक करता है मैं वेट कर रहा हूँ तुम घर से करके आए हो अच्छा ये मैंने छाप दिए थे क्या नहीं फिर मैं नहीं कर रहा फिर तो गलत हो गया <laughs> मैंने ऑलरेडी दे दिए थे अच्छा हाँ यार लास्ट के दो क्वेश्चन और दे दिए थे फिर तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है बट चलो लाओ यार ले आओ तो सिंपल है सेलिंग प्राइस कितना है 150 वेरिएबल कॉस्ट 50 तो कंट्रीब्यूशन पर बर्गर कितना हो गया सौ रुपए और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है दस लाख रुपए तो आपको बीपी मैंने अभी अभी बताया था नो no प्रॉफिट अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉस्ट इज लाख एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी अभी हमने देखा था वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी दैट इज रुपीज हंड्रेड तो कितने बर्गर्स हो गए दस हजार ये मेरा आंसर आ गया है एंड दैट फिनिशे ऑफ दिस पार्ट आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब इसी की अगर वैल्यू निकालनी है वो है यार बीपी की सेल्स वैल्यू बता तो दस बर्गर्स, भी दस हजार बर्गर्स नहीं मल्टीप्लाइड बाय रुपीस सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों रुपीस फिफ्टी सो दिस कम्स टू रुपीज फिफ्टीन लाख आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है डन ये हमारा फिफ्टीन लाख ,00 आ गया नाउ नेक्स्ट फिर बारी आती है डिफरेंशियल कॉस्ट ये तो नहीं होंगे एमसीक्यूज में अभी ये आज के एमसीक्यूज हैं डिफरेंशियल कॉस्ट अच्छा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था डिफरेंशियल कॉस्ट 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 आर आल्सो नोन एज आई एम सो प्राउड ऑफ यू इंक्रीमेंटल अभी ये वाली cost आपने पढ़नी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़नी है पीरियड कॉस्ट पढ़नी है कंट्रोलेबल कॉस्ट पढ़नी है टाइप्स ऑफ कॉस्ट में अभी और आगे आने वाली है कंट्रोलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कहते हैं ठीक है जी प्रोडक्ट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो एक प्रोडक्ट कॉस्ट और एक पीरियड कॉस्ट होती है फिर डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करते हैं डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं एक तो रेलिवेंट कॉस्ट एक इ कॉस्ट उस रेलिवेंट कॉस्ट में से एक कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनी हाउ जस्ट फॉर नॉलेज तो दिस इज इट आगे बढ़ते हैं तो ये आपने इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरे को बताई दी बहुत ही बढ़िया अच्छा इसके बाद अ कंपनी प्रेजेंटली डज नॉट यूटिलाइज इट्स अवेलेबल कैपेसिटी यार सोचो इमेजिन करो एक कंपनी जो है एक लाख यूनिट्स बना सकती है गाइस टेक्निकल टीम प्लीज ये मैसेज पढ़ लेना एक कंपनी जो है एक लाख यूनिट बना सकती है और वो अभी अपनी कैपेसिटी नहीं यूटिलाइज कर रही प्रेजेंटली नहीं यूटिलाइज कर रही जो उसकी अवेलेबल कैपेसिटी है ये उसकी हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी है तो लेट्स से वो अभी क्या कर रही है फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रही है कहने का मतलब पचास हजार यूनिट बना रही है फिफ्टी थाउजेंड यूनिट बना रही है गाइस हेल्प मी आउट ओवर हियर वो कह अगर फुल कैपेसिटी पे पहुंचेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट शैल डैश डिक्रीज क्योंकि फिक्स कॉस्ट अभी आप 50,000 यूनिट से रिकवर कर रहे होगे, फिर एक लाख से करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाएगी तो आंसर इज

अपॉन सेल्स ये पीवी रेशो होती है इसका full form होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या इसको सी एस रेशो भी अच्छा एक बात बताओ आपको याद हो हमने वो एक क्वेश्चन किया था एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ था याद है कुछ उसमें क्या हमने कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट किया था या नहीं किया था डिफरेंशियल का और इनकम डिफरेंशियल अच्छा क्या हमने डिफरेंस इन कॉस्ट टू अल्टरनेटिव का देखा था या नहीं देखा था तो बोध बी सी ए बी सी डी में से कौन सा चूज करूं डी बोध बी सी क्योंकि भी हम कॉस्ट का डिफरेंशियल भी देखते हैं और इनकम का डिफरेंशियल भी देखते हैं कॉस्ट का तो ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, तो बोध बी सी गुड अच्छा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट कॉस्ट की ये फीचर है एक्सेप्ट नंबर वन ऑल दो विद इन द रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल बट रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग होती है क्या फिक्स्ड कॉस्ट जनरली रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होता है जनरली आपने जैसे वो मेरे साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद जो आया था तो आपने जो वो किया था उस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में क्या याद है आपको कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग था यस और नो नो तो ये तो नहीं है अच्छा ऑल दो फिक्स विद इन रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल बट आर रेलिवेंट फॉर टू डिसीजन मेकिंग वेन इट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल याद है वो एक क्वेश्चन जिसमें हमने एक लाख बीस हजार यूनिट बनाई थी हम अपनी कैपेसिटी को एक्सीड कर रहे थे तो उसके चक्कर में हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही थी तो ये रेलिवेंट है या नहीं है ये सही है या नहीं है ये तो ठीक है ये ओके okay है अच्छा जनरली रेलि इन रेलिवेंट होता है ओके okay है या नहीं है ओके okay. है अच्छा रेलिवेंट फॉर डिसीजन इट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर एनी सकमस्टांसेस हर सकम में ये रेलिवेंट है सोच सोच के बताओ नाउ अब ये शब्द है अवॉइडेबल अगर आप फिक्स कॉस्ट अवॉइड कर जाओ क्या वो रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होगा यस और नो मैं एग्जाम्पल देता हूं मैं केस बनाता हूं केस बनाता हूं अभी आपको मैंने एक एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला केस दिया था एक केस होता है जिसे कहते शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसमें होता क्या है ये ऑब्वियसली ये अगेन यहां पर तो थियरिटिकली रखा हुआ है प्रैक्टिकल इसका फाइनल में है यहां पर सिर्फ इसका थियरी रखा हुआ है नाउ, शटडाउन वर्सेस कंटिन्यू की पहले कंडीशन समझो इकोनॉमी में रिसेशन है क्या है रिसेशन है और हमें लॉसेस हो रहे हैं लॉसेस टू द कंपनी हो रहे हैं कंपनी या फर्म जो मर्जी कर दो अगर हम प्लांट कंटिन्यू करेंगे तो लॉसेस होंगे ठीक है जी मैं एग्जांपल देता हूं इकोनॉमी में स्लंप है इकोनॉमी में रिसेशन है हमारी आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री है या सीमेंट की फैक्ट्री है रिसेशन है ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं रहा तो आयरन एंड स्टील या सीमेंट जिस भी किसी एक केस को ले लो ये मेरे प्लांट्स हैं मैं शट डाउन फॉर नहीं करने की सोच रहा मैं सोच रहा हूं टेम्पररी शट डाउन छह महीने के लिए बंद कर दू साल के लिए बंद कर दू तीन महीने के लिए बंद कर दू करूं या ना करूं सुनना मेरी बात अब कंपनी को ये दिख रहा है कंपनी ये देखती है कि यार देखो वी आर नॉट क्लोजिंग डाउन कंपनी वी आर नॉट लूज वी आर नॉट लिक्विडेटिंग अभी ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक कुछ पाइलअप भी पड़ा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे जो हमारे परमानेंट कस्टमर्स है उनको माल देते रहेंगे बट अब अगर मैं बनाता रहूं तो मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा मैं तनख्वाहें देता रहूंगा और मेरे को नुकसान होता रहेगा अब ये कंपनी सोच रही है कि टेम्परेरी सिर्फ वन ईयर के लिए वन ईयर के लिए शट डाउन कर दे या कंटिन्यू करें अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल माल नहीं बिक रहा बिक रहा है लेकिन मेरे खर्चे नहीं रिकवर हो रहे ठीक है अब सुनना मेरी बात इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है इस फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा जा सकता है एक कही जा सकती है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट एक कही जा सकती है अन या वी ऑल्सो यूज द वर्ड कमिटेड फिक्स कॉस्ट आपके दोस्त बोल रहे हैं सरजी शटडाउन तब करेंगे जब फिक्स कॉस्ट बिना निकल पाए नहीं, नहीं वेरिएबल कॉस्ट तो यार निकलेगी निकलेगी फिर तो कंपनी बंद करेंगे अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही तो अगर आपका सेलिंग प्राइस दस रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट बीस है भाई बंद कर दो कंपनी अगर सेलिंग प्राइस ट्वेंटी फाइव है और वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी है यू कैन स्टिल थिंक ऑफ कंटिन्यूइंग फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हो रही अभी सुनो केस क्या है केस समझना केस कुछ ऐसा है अगर ये शट डाउन कर दें और कंटिन्यू करें इनकी दो तरह की फिक्स कॉस्ट है एक है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट वो नहीं होगी फिर मैं एग्जांपल देता हूं यार ये ना अपने मैक्सिमम एंप्लॉज को निकाल देंगे अवॉइडेबल सैलरी इनका ना अनडेबल कभी बोलता हूं अनेबल या कमिटेड फिक्स कॉस्ट की भाई जब तक कंपनी खुली है ये तो होगा हो ही होगा इन्होंने रेंट ऑफ फैक्ट्री ले रखा है भाई धंधा फॉर एवर तो बंद नहीं कर रहे ना तो रेंट ऑफ फैक्ट्री तो जाएगा जाएगा वॉचमैन की सैलरी जाएगी यार एक बात बताओ कंपनी तो प्लांट तो है ना तो वॉचमैन तो चाहिए होगा वॉचमैन सैलरी तो जाएगी अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो नहीं कटवा दोगे ऐसा तो नहीं भाई चाहिए तो हम नहीं करेंगे तो जो हमारा फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो जाएगा ही जाएगा आपके असेट्स उसके अंदर लगे हुए हैं उसका डेप्रिसिएशन होगा ही होगा आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्लान मशीनरी या जो भी है फिक्स जाएगा ही जाएगा ये क्या है ये सारी की सारी हैं अन फिक्स कॉस्ट या कमिटेड फिक्स कॉस्ट अगर आपने कंपनी नहीं बंद की ना तो ये खर्चे तो हो ही रहे हैं ऑन दर हैंड अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यार मैं ना सुनो मेरी बात है लो। मैंने ना कोई मशीन किराए पे ली हुई है मैं कहूंगा उठा के ले जा मेरे को नहीं चाहिए रेंट ऑफ मशीन जो मेरे को नहीं चाहिए जो मैंने खरीद रखी उसका डेप्रिशन तो होगा बट जो मशीन को छोटी मशीन पीछे ना मेरे को डिमांड अच्छी थी तो मैंने किराए पे मशीन ली हुई थी अब मैं कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहा मेरी अपनी मशीन नहीं यूज हो रही पूरी तो भाई रेंट ऑफ मशीन जो मेरे को अवॉइडेबल

चाहे बीस लाख रुपए चाहे तुम धंधा चलाओ या ना चलाओ ये बीस लाख तो ही रहे हैं, लेकिन पांच लाख रुपए का खर्चा जो है वो तुम अवॉइड कर जाओगे कंटिन्यू करोगे तो पांच लाख खर्चोगा नहीं करोगे डिसकंटिन्यू कर दोगे तो बच जाएगा ये है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट बीस लाख और पच्चीस लाख ये पांच लाख क्या है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं ना शटडाउन वर्सिज कंटिन्यू का डिसीजन ले रहा हूं कि एक साल के लिए शटडाउन करूं या ना करूं क्या मेरी अवॉयडेबल फिक्स रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग नो येस और नो मैं अगर शटडाउन करूंगा तो यह पांच लाख रुपए का खर्चा नहीं होगा और मैं अगर कंटिन्यू करूंगा तो होगा ये रेलिवेंट है relevant है ये इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट में नहीं आ जाएगा ये डिफरेंस नहीं हो गई इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट है जीरो इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट है ना पांच लाख तो इज दिस रेलिवेंट ऑफ हॉट डिसीजन मेकिंग और नॉट इट इज तो वंस अगेन एक बार फिर पढ़ो ये मैंने ये शब्द मैंने नहीं पढ़ा था पहले ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट so yes, okay yes, तो प्लीज इज अवॉइडेबल फिक्स रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग यस ओके फिक्स इेलीवेंट यस जनरली तो कमिटेड होती है इज इट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर एनी सकमसांस ये नहीं है यार हर सकम सांस में फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट हो नहीं जैसे आपने पहला केस किया था वो एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला उसमें फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रही थी तो मैंने कहा इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है तो कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है एक्सेप्ट में कौन है डी दिस इज द करेक्ट आंसर देन अच्छा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है डैश इन प्रोपोर्शन टू द आउटपुट पर यूनिट में टोटल में टोटल और पर यूनिट में नन ऑफ द अबव वेरिएबल कॉस्ट याद करो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी बढ़ती है आउटपुट के साथ साथ टोटल वाली या पर यूनिट वाली या दोनों कितने लोग कह रहे टोटल कितने लोग कह रहे पर यूनिट शून्य वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ये था यह टोटल वेरिएबल कॉस्ट था और ये आपने ग्राफ बनाए हुए हैं तो कौन सा वाला आंसर सही है बी अ फिक्स कॉस्ट में चेंज इन टोटल सच चेंज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोडक्शन बदलेगी तो फिक्स कॉस्ट बदलेगी सही है प्रोडक्शन yeah. बदलेगी तो फिक्स कॉस्ट थोड़ा बदलती है 100 कर जाओ या कुछ अच्छा विल नॉट चेंज इन टोटल बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू चेंजेस इन प्रोडक्शन ये तो ठीक लग रहा है यार अच्छा इट इज कांस्टेंट पर यूनिट ईच यूनिट पे वेरिएबल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो याद है ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऐसे बनता था यूनिट्स वॉल्यूम बदलने के साथ तो ये भी झूठ बोल रहा है अच्छा पार्टली चेंज इज चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी मैं नहीं यार मैं नहीं खेल रहा इनके साथ कौन सा सही है बी सही है गुड दो यार माइक दो इधर तो नहीं होना चाहिए। न एक बात बता ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है यस yes, सर अगर मेरा यूनिट्स चेंज होंगी तो क्या ये बदलेंगी यस और नो यस सर अच्छा अगर मैं ये फिक्स कॉस्ट है मेरी अगर मैं मेरी कैपेसिटी दो लाख यूनिट्स है राइट अगर मैं एक लाख दस हजार यूनिट्स बनाऊ ब्लेस यू तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट पार्टली चेंज हो जाएगी माइक पे एक लाख बीस हजार नहीं एक लाख तीस हजार तक नहीं, नहीं।, नहीं होगी ना तो कैपेसिटी शब्द बोलो ना वहां तो क्या है ऑप्शन देखो लास्ट ऑप्शन देखो पढ़ जरा लास्ट ऑप्शन और मुझे पढ़ के बता कोई नहीं ये नहीं है ये भी नहीं है ये है

ऑल टूगेदर नया बिजनेस खोल रहा हूँ या वट एवर कुछ कर रहा हूँ मैं नई कैपेसिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो तो हम लोग अगर बात करते हैं जनरली फिक्स कॉस्ट हमेशा कैपेसिटी के अंदर की ही बात की जाती है कि इसके अंदर इट डज नॉट चेंज कैपेसिटी शब्द बोलो तो सही किसी ऑप्शन में बोला एक्सीड कर रहे हैं कैपेसिटी इसमें चेंजेसिटी अप टू एक्टिविटी लेवल चेंज मतलब 100% परसेंट कैपेसिटी इट डज नॉट चेंज ना ही हैज टू यूज द वर्ड ना कि आई एक्सीड माई कैपेसिटी जनरल जनरल टर्म्स ही बता रहे हैं खालिद बिन ओके जी नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड तुम घर से घर के आए हो क्या कॉस्ट एफ कॉस्ट कंट्रोल प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ ए एन बी

ये तो मैं शुरुआत से ही कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग के टाइम पे भी बोला था भाई मैनेजमेंट को प्लानिंग एंड कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल और प्लानिंग के लिए डेटा देना है असली कॉस्ट अकाउंटिंग यही कर रहा है तो दिस इज द केस नेक्स्ट अर्नब अपना नंबर दे देना टेक्निकल टीम अर्नब से बात कर लेना क्लास के बाद चलो हो गए हमारे एमसीक्यूज अब बढ़ते हैं आगे हेयरवी सुनो गाइस ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज आप लोग मेरी मदद कर रहे हो सुनो गाइस लास्ट कॉन्सेप्ट आज का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस एज पर फंक्शन दोस्तों फंक्शनल क्लासिफिकेशन Of course. Now, इसके मैन्युफैक्चरिंग organizations के और अदरवाइज भी सर्विस सेक्टर ये वो बहुत सारे मेजर पांच functions बहुत फेमस है एक दो तीन चार और ये पांच नंबर एक हेलो यू रिमेंबर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्लासिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्लासिफिकेशन वेरिएबिलिटी आउटपुट लेवल ऑफ एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसी तरीके से फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन या इसको वर्क्स भी कहा जा सकता है या इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जा सकता है ठीक है जी या इसको फैक्ट्री का फंक्शन भी कहा जा सकता है सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्शन है फिर वर्क्स भी, भी, भी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं फैक्ट्री भी कहते हैं नंबर वन नंबर टू इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन अगला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग चीजें होती हैं सेलिंग इज स्टिम्यूलेशन या क्रिएशन ऑफ डिमांड सेलिंग क्या होती है स्टिम्यूलेशन एंड क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स दीज आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू डिफरेंट फंक्शन बट इनको जनरली ऑर्गेनाइजेशन मर्ज करके चलती हैं क्योंकि यार हम सेल भी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही डिपार्टमेंट होता है जो कि दोनों कर रहा होता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट होते हैं नहीं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फंक्शन है आज जमाना बदल रहा है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट आ गया ना तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल माल बना रहे हो उसकी इंस्पेक्शन करो इंस्पेक्शन फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन भी कह सकते हो आप और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जमाना बदल रहा है लोगों को नई चीज चाहिए हर साल आप नया आईफोन देखते हो कि नहीं देखते हो एवरी ईयर आप सैमसंग के नए मॉडल देखते हो फोन्स के एवरी ईयर यू एक्सपेक्ट दिस थिंग ओ जी सैमसंग फोल्ड आ गया अब फोल्ड में यह चेंज हो गया अब यह आ गया अब इसमें तीन कैमरा हो गया इसमें चार कैमरा हो गया इसमें यह हो गया इसमें वो हो गया इन सोन सो फोर्ट तो वो कैसे आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब अगेन रिसर्च अलग चीज होती है डेवलपमेंट उसके बाद होती है रिसर्च इज ओरिजिनल प्लान इन्वेस्टिगेशन कुछ करना किसी भी चीज में प्रोडक्ट के लिए हो सकता है प्रोसेस के लिए हो सकता है अकाउंटिंग के लिए रिसर्च कर सकते हो आप रिसर्च कैन बी इन रिगार्ड टू एनीथिंग योर प्रोसेस इज योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इज वेन योर रिसर्च के पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उस पॉजिटिव रिजल्ट्स को रिपीटेबल करने के लिए फिर डेवलपमेंट की जाती है तो जितनी भी आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनके तो सेपरेट आर एन डी डिपार्टमेंट होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के तो सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं कि लेट्स रिसर्च इवन आयरन एंड स्टील कंपनीज के भी होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भाई एक काम करते हैं लेट्स सी और कैसे अपने प्रोडक्ट को और सुंदर और बढ़िया बनाया जा सकता है क्लोथिंग वालों में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है बताऊं थोड़े से एग्जांपल्स दूं, अभी प्रैक्टिकल केस दूं। आप में से कितने लोगों ने लेदर स्किन के बारे में सुना हुआ है लेदर 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 रेज योर हैंड गुड आई एम प्राउड ऑफ यू ने लेदर स्किन के बारे में सुना हुआ है वो आपको पता है जानवर को मार के उसकी चमड़ी उधेड़ के फिर बनता है पुराने जमाने में समझ में आता था उस जमाने में लोगों के पास टेक्नोलॉजी चीजें नहीं थी समझ में आता था आज की डेट में एक और आप में से कितने लोगों ने मस्किन सुना हुआ मस्किन, है मस्किन सब्सटीट्यूट है व्हाट डज इट मीन मस्किन क्या होता है पेड़ का नहीं होता काका का ये मशरूम की स्किन है बड़े बड़े मशरूम्स जेनेटिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका ऊपर वाला पोर्शन काट के उसको सुखाया जाता है और उससे शूज बैग्स, जैकेट्स क्या चीजें नहीं बन रही आज के डेट में जब चमड़ा नया नया बनता है उसमें इतनी भयानक स्मेल आती है और बहुत दिन तक आती है एक्सट्रीम स्मेल आती है एंड फॉर डेज एंड डेज इट कम्स प्रॉब्लली कई लोगों को तो सालों तक आती रहती है बट मिन डॉट है थिंग इट इज अगेन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट दीज थिंग्स है क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल केस स्टडी एक कंपनी जैसे बूची एलवी कोच प्राडा जो मर्जी कह दो सोचो एक ब्रांडेड कंपनी है जो कि हैंड बैग बनाती है कुल cool? आप अगर कोई ये ब्रांडेड अगर कोई भी ये प्रोडक्ट खरीदो क्या आप एंटिसिपेट करते हो एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें प्रोडक्शन डिफॉल्ट होगा नहीं तो ये कंपनीज क्या करती है आईफोन कभी एक्सपेक्ट करते हो कि आईफोन में कोई प्रोडक्शन डिफॉल्ट होगा कि मैंने आईफोन खरीदा और भैया उसमें कुछ गलतियां हैं कुछ खराबियां हैं नहीं दे हैव अ क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिपार्टमेंट या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट लेट मी नाउ शेयर दिस केस स्टडी विद यू कहानी कुछ ऐसी थी ये सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पहले नहीं होता था देर वॉज अ टाइम नहीं होता था इनका डिपार्टमेंट नहीं था तो यह क्या करते थे माल बेच देते थे बनाते थे ध्यान रखते थे बनाते समय ओए ध्यान रखना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ध्यान रखना ओ परचेज डिपार्टमेंट तुम ध्यान रखना तुम सही माल खरीदना और तुम जो है क्या नाम है तुम सही तरीके से बनाना बना के बेच देते थे और फिर बेचने के बाद सोचो सौ पीस बनाए सौ बेच दिए और सौ बेचने के बाद इनकी एक पॉलिसी थी कि आप कस्टमर्स कोई खराबी हो तो आप मेरे पास ले आओ तो कस्टमर वापस लेके आते थे और ये उसको रिप्लेस करके दे देते थे सॉरी आपके पास गलत माल आ गया कोई बात नहीं हम रिप्लेस कर देते हैं कई बार आपके साथ हुआ होगा पिज्जा या कोई कोई ना किसी ना किसी चीज का कुछ हुआ होगा आपने कुछ मंगाया होगा कुछ आ गया होगा आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ हो जाता है तो हुआ क्या इन्होंने इनका एक्सपीरियंस ये था फाइव परसेंट सामान इनका वापस आता था और ये रिप्लेस करके देते थे कस्टमर वर नॉट डिस कस्टमर को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती थी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इन्होंने पहले प्रोडक्ट बनाया उसको डिस्पैच किया फिर वापस लिया फिर एक्सचेंज किया गुडविल भी खराब हो रही है और पांच यूनिट्स खराब बन रही हैं और वो मार्केट में जा रही है और लोग ये तो बात करते हैं कि यार ये रिप्लेस कर देते हैं लेकिन ये भी बात करते हैं कि इनका माल खराब निकलता है तो इनकी ब्रांड के लिए बुरा है तो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जिसने क्या किया अब फिनिश प्रोडक्ट तैयार होते हैं माल मार्केट में जाने से पहले ये एक-एक यूनिट -एक क्योंकि भैया इनका सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होता है हेलो इनका सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होता है इसलिए एक सेलिंग प्राइस में कॉस्ट फैक्टर कर देते ना क्वालिटी कंट्रोल एक एक प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं एक एक को इंस्पेक्शन कर रहे है. फिर क्या हुआ इन्होंने चेक किया एक एक प्रोडक्ट को चेक करके फिर बेचा तो इसमें अब क्या था भाई पहले भी सौ में से पांच खराब निकलते थे अभी भी सौ में से पांच खराब निकल रहे हैं लेकिन अच्छी बात क्या है कस्टमर के पास नहीं जा रहा हमने पहले उस पांच को निकाल के अलग कर दिया और फिर उसके बाद ये कंपनी क्या करती थी इनको बेचती नहीं थी क्योंकि इनकी इज्जत खराब होगी ये इनको जला देती थी भैया खराब माल ये देखो ये, है, ये देखो ऐसे बैगर में कितना बैग है। ये नहीं कर सकते वॉट दे डिड वॉज दूस टू बर्न दैट बट पहले के मुकाबले कॉस्ट कम हो गई और गुडविल बेटर हो गई कि इनका माल अब खराब नहीं जाता कस्टमर के पास ये खुद ही चेक करके निकाल देते हैं जला देते हैं अब इनके पास कोई एक कस, कोई एक बंदा आया कंसल्टेंट इन्होंने कंसल्टेंट को बुलाया इन, इन्होंने कहा यार हमारा कॉस्ट रिडक्शन के लिए हेल्प करो हमें कहते चलो मैं आपकी एक्टिविटीज देखता हूं आप क्या क्या करते हो आपके क्या क्या फंक्शन है लेट मी सी योर फंक्शन तो उसने देखा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सौ में से पांच बैग निकाल के साइड में रख रहा है और जला रहा है तो ये उनसे पूछते हैं एक बात बताओ क्वालिटी की खराबी क्या निकलती है आप मुझे ये समझाओ वो कहते देखो जी अक्सर लेदर में छेद होता है कुछ भी ना लेदर में छेद होता है उसको वो जो हम जिनसे सामान खरीदते हैं कभी कभी छेद होता है या तो उस टाइम पे छेद हुआ उस टाइम पे गड़बड़ हुई या फिर एज द केस में भी जब ये सिल रहे थे बना रहे थे उस टाइम पे गड़बड़ हुई ओके तो मेजर आपके बैग में गलती क्या होती है लेदर पे छेद होता है और दो स्टेजेस हैं, या तो बनाते समय या लेदर खरीदते समय तो आप इंस्पेक्शन अभी कर रहे हो ना मेरा कहना आप पहले रॉ इंस्पेक्शन करो फिर प्रोडक्शन के दौरान इंस्पेक्शन करो प्रोडक्शन के बाद करनी भी नहीं पड़ेगी शायद और उन्होंने वाली एक्टिविटी शुरू की अब क्या हुआ जब ये लेदर खरीदते समय लेने लग गए ना चेक करने लग गए इंस्पेक्ट करने लग गए तो अब इनके 99 बैग सौ में से सही निकलते हैं एक प्रोडक्शन के दौरान खराब हो जाता है तो क्या हुआ जो वो ये लेदर खरीद के बैग बना के उस लेदर की कॉस्ट भी खर्च की मटेरियल, लेबर भी किया ओवर भी किए सारे खर्चे करने के बाद बनाने के बाद उसको जला दिया सारी कॉस्ट बर्बाद हो गई और फिर ये कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं तभी तो कॉस्ट इनके ज्यादा है इन्होंने क्या किया इन्होंने लेदर परचेस के टाइम पे इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बिठा दिया हेलो हम तुमसे माल तभी खरीदेंगे तो बाद में फिर इन्होंने सैंपलिंग से चेक कराना शुरू कर दिया कि चल यार ये सामान नया नया लेदर आया है पीसेस आए हैं इनमें से सैंपल सौ में से चलो पांच निकाल लो कोई भी रैंडम और चेक कर लो तो हुआ क्या उस हिसाब से उनकी वेसेजेस बहुत रिड्यूस हो गई और कॉस्ट रिडक्शन हो गई बट अल्टीमेटली ये क्या है ये सेपरेट डिपार्टमेंट्स है या सेपरेट फंक्शंस है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है उनको ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है उनको सेल करने के लिए सेलिंग डिपार्टमेंट और कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है देन इसके बाद उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कुछ जरूरत पड़ सकती है कि भाई इनोवेशन करें इंप्रूवमेंट इन द प्रेजेंट प्रोडक्ट्स करें और प्रोडक्ट ही नहीं आप अपनी अकाउंटिंग अब आप एक बात बताओ पुराने जमाने में मैनुअल अकाउंटिंग होती थी आज की डेट में कौन कर रहा है मैनुअल मैन्युअल नोबडी डज मैनुअल अकाउंटिंग टूडे इट इज सिली इफ एनी मैनुअल अकाउंटिंग यू नो वन ऑफ आई आई यू गिव यू द एक्साम्पल ऑफ माई चाइल्ड हुड गली वाला जो जैसे गली गली के दोस्त होते हैं ना तो गली का एक दोस्त बनियाना शॉप आई एम बेस्ट बडीज मेरे बेस्ट बडीज बनिया ही है बचपन से ऐसा ही रहा है शॉप इन दार्केट एंड उनकी शॉप से हम भी सामान लेते थे बाजू में ही थे तो हुआ क्या उस जमाने की बात है ये क्या करते थे हाथ से पर्ची लिखते थे ये बिका ये बिका ये बिका और ना एक सुआ होता था उसके अंदर कागज डाल देते थे रात को बैठ के इन्वेंट्री कर रहे होते थे दो दो घंटे अगर इनकी दुकान रात को नौ बजे बंद हो रही है ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे वहीं पे ही है शटर डाउन करके ये और इनका स्टाफ अकाउंटिंग कर रहा है इट वॉज सच अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन

और बार कोड रीडर की आज की डेट में आप किसी किराने या किसी भी शॉप पे चले जाओ क्या करते हैं वो लाल रंग की बत्ती को दिखाते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में उनके जो है रिकॉर्ड हो जाता है अकाउंटिंग हो जाती है ये यूनिट इतना गया खत्म सो वॉट आईम टॉकिंग अबाउट ये सारी चीजें हुई कैसे है देर वॉज अ प्रॉब्लम

हाथों तो हाथ तो उनको सब कुछ पता चल जाता है इतनी क्वांटिटी चली गई है इतना ये है इतना हो गया और आज की रेट में तो ऐसा आईटी है सिस्टम कि ये जो बड़े बड़े जो बिग बाजार मोर एटसेट्रा जो है ना इनके तो कंप्यूटर सप्लायर के कंप्यूटर से कनेक्टेड है इनके कुछ ईआरपी पैकेजेस है इस तरह का सिस्टम है कि यहां इन्होंने ये निकाला 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 जो प्रोडक्ट इनका निकल रहा है इन्होंने कुछ लेवल्स फिक्स कर रखे होते हैं इन्वेंट्री के जिसे कहते हैं रीऑर्डर लेवल उस रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते ही इनका जो मेन कंप्यूटर है वहां से ऑटोमेटिक सप्लायर के पास एक ऑर्डर जाता है कि इतनी यूनिट्स भेज दो प्लेस होता है और वहां से सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट का आज के डेट में उसमें क्या काम रह गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद वो वहां से कंफर्मेशन मांगते हैं डू यू कंफर्म दिस ऑर्डर उसको मैनुअली किया जाता है अभी स्टिल फर्म दिस ऑर्डर भेज दो पैक करो और भेज दो तो आज जमाना बदल रहा है और ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण ही हो पाई है अकाउंटिंग हो प्रोडक्शन हो प्रोडक्ट हो इतनी चीजें अब आप देखो कार्स पहले कैसी बनती थी आज की डेट में कार्स कैसे बन रही है पुरानी कार्स और नई कार्स आज के डेट में तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड कार के अंदर वो इतना बड़ा सा स्क्रीन दिखता है आपको कि नहीं पुराने जमाने की कार्स और आज की कार्स में जमीन आसमान का फर्क है हाउ इट हैज कम हाउ दीज थिंग्स है जल्दी से एक बार क्विकली लेटमी टेल यू फंक्शनल क्लासिफिकेशन आप बताओगे पहला फंक्शन प्रोडक्शन का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग तीसरा नाम वर्क चौथा नाम फैक्ट्री दूसरा फंक्शन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया चौथा बताओ क्वालिटी कंट्रोल पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो ये आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल ठीक है है जी वंस अगेन प्रोडक्शन क्या चीज होती आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो यू आर मेकिंग एनीथिंग ठीक है जी कोई भी खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है जैसे सारी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ये सारे प्रोडक्शन में यूज होते हैं और फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो भी सारे के सारे इसमें आ जाते हैं तो द कॉस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ये होंगे तभी दे आर इनकर्ड वेन प्रोडक्शन इज मेड एंड नॉट इनकर्ड वेन नो प्रोडक्शन इज मेड जैसे डरेक्ट मेटर लेबर डरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा आता है, क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकिंग चाहिए अब एक बात बताओ कंपनीज में एच आर डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट no. होता है या अदरवाइज डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बजट्स बनाते हैं प्लान्स बनाते हैं कि मुझे अगले साल यह अचीव करना है ठीक है जी गोल सेट करते हैं दिस इज दर्गनाइजेशन गोल दिस इज वॉट वी हैव टू डू इन द ईयर दिस इज वॉट वी हैव टू डू इन द क्वार्टर दिस इज वॉट वी हैव टू डू है मंथ दिस इज वॉट हैव टू डू इन वीक दिस इज अल्टीमेटली ये सारा पॉलिसी मेकिंग वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज दीज आर द कॉस्ट जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी डायरेक्टिंग दर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग ऑपरेशंस

उस ऐप आप पे आपको एड दिखनी शुरू हो जाती है आप यूट्यूब देख रहे हो उसके ऊपर एड दिखनी शुरू हो जाती है ये क्या है दीज आर ऑल सेलिंग के खर्चे सेल्स को स्टिम्युलेट करने का डिमांड को इंक्रीज करने का क्रिएशन और स्टिम्यूलेशन ऑफ डिमांड देन फिर बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है गाइस पहुंचाने का गुड्स मेकिंग अवेलेबल मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर डिस्पैच कॉस्ट ठीक है जी डिस्पैच कॉस्ट हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी वहीकल्स रख रखे हैं जो कि सामान ले लेके जाएंगे ठीक है जी या फिर आज केस में भी सामान को बड़े बड़े डब्बों में पैक करके फिर भेजेंगे वट तो मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर देन रिसर्च क्या चीज होती है रिसर्च इज ओरिजिनल प्लान इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज की ओरिजिनल प्लांट इन्वेस्टिगेशन गेनिंग न्यू साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज चाहे आप न्यू इंप्रूव प्रोडक्ट्स के लिए बोलो नया रॉ मटेरियल जैसे मैंने अभी स्किन मैं, का एग्जाम्पल दिया था न्यू मटेरियल यूज किया कर रहे हैं अब ठीक है जी या न्यू प्रोसेस न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है जी नया काम करने का तरीका पहले मैनुअल करते थे मैकेनिकल कर रहे हैं मैकेनिकल में भी अब नया अब आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एंड सोन एंड सोपोर और रिलेटिंग इंप्रूवमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकाउंटिंग के लिए या मार्केट रिसर्च इवन जो है आप लोग मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो, होता ना लोगों को नया हम लोगों ने लेट्स से कॉफी का टेस्ट लेके आना है या फिर लेट से नई आइसक्रीम लानी है लोगों को खिला नहीं रहे आइसक्रीम खा के बताओ कैसी लगी कैसी लगी कैसी लगी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर दे दो प्लीज थैंक यू 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 थैंक थैंक इज दैट दिस इज मार्केटिंग रिसर्च एंड एंड देन डेवलपमेंट स्टार्ट डेवलपमेंट स्टार्ट विन रिसर्च एंड जब भी रिसर्च के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तो उसमें जब काम होगा ठीक है जी जब भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग जो है उसके ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट उनके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स करोगे कॉस्ट ऑफ ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज जो भी आपने नया डिवाइस नया प्रोडक्ट नया मटेरियल, नया प्रोसेस नया सिस्टम चाहे नई अकाउंटिंग नई सर्विसेज, कमर्शियल प्रोडक्शन यूज से पहले आपको रिसर्च का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया अब उसको आपको डेवलप करना है उसको आपको आगे बढ़ना है दैट इज रिसर्च के बाद डेवलपमेंट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप इसे क्यूसी कह सकते हो क्वालिटी कंट्रोल या फिर आप इसे क्या कह सकते हो इंस्पेक्शन, आपके, आपके कुछ ना कुछ नॉर्म्स तो को, कोई भी आपने कुछ डिजाइन कर रखे हैं कि हाँ जी ये परफॉर्म भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, आप लोगों ने बाइक में सुना होगा किसी को आइडिया हो जो लोग बाइक स्कूटर चलाते हैं उन्हें स्पार्क प्लग पता होगा वो स्पार्क प्लग जो है ना

तो मेरे को समय बिल्कुल कम बचा है मैं जल्दी से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं वंस अगेन हेलो नाम लिया था तो नाम लेके कंप्लीट करता हूं एक कॉस्टशीट नाम की एक स्टेटमेंट होती है जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाते हैं कॉस्टशीट को कैसे डिफाइन किया जाता है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट यहां कॉस्टशीट क्या करती है कॉस्ट को एक तो ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करती है एक एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करती है और एक फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करती है इन तीनों क्लासिफिकेशन को बेस लेके फिर कौशी बनाई जाती है ठीक है जी अब वो कौशीट कैसे बनती है इन तीनों को लेके वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज हम लोग नहीं देख पाए इट्स ओके okay. तो मेरी तरफ से जो है आज की क्लास समाप्त हुई एमसीक्यूस कर लेना जो मैं नोट्स दूंगा वो कॉपी कर लेना डिस्टिंक्शन वगैरह वाले कुछ नोट्स एंड सो ऑन कॉस्ट की क्लासिफिकेशन ये वाली फंक्शनल क्लासिफिकेशन आई सी यू डे आफ्टर टुमारो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग यस गुड एक्सीलेंट आई सी यू डे आफ्टर टुमारो टाटा बाय बाय